प्रथम लागु दो चरण को धनिये ना छुड़ायो खिन लाक तली लाल एड़िया मेरे जीव के ही जीवन इन पाम तले पड़े रहूं धनी नजर खोलो बातुन पल नवालों निरखूने त्रे मेरे जीव के ए जीवन मेरे जीव के ए जीवन श्री जी साहेब जी चले ठठे से नलिये आए पहुँचे धारे ने यह बात सुनी हती आए पहुँचा धाये आए पहुँचा धाये। आवासी बंदर में भैरव सेठ ने यह शोभा पाई सब सुंदर साथ को छुड़ाने का 70,000 रुपये देकर। अब धाम धनी को पधारना पड़ता है। आवासी बंदर किसी को बस में करना है तो सेवा करनी होती है। सेवा तीन तरह से की जाती है, तन से, मन बुद्धि से और आत्मा से। चाहे राज्य को रिझाना हो, सदगुरु को रिझाना हो, किसी महापुरुष को रिझाना हो, तो सेवा एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। किंतु सेवा के फल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सेवा और भक्ति की शक्ति दुरुपयोग करने के लिए नहीं है, बल्कि सबके कल्याण के लिए है। यदि हम किसी की सेवा करते हैं तो उनके नज़दीकी बनकर कभी किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी का अनिष्ट नहीं करना चाहिए, किसी पर रोब नहीं झाड़ना चाहिए, तब तो सेवा का फल है। क्योंकि सेवा निष्काम होती है। सेवा करे न जनामी अपनी आत्म के कारण। भैरव सेठ ने सेवा किया, कुछ मांगा नहीं। ये जरूर उसके मन में भावना थी कि मेरी बिरादरी के लोग कैद में रहें ये मुझे स्वीकार नहीं, और यदि मैं इनको छुड़ा देता हूँ तो सारे समाज में मेरा नाम बन जाएगा। यह भावना तो ठीक है, किंतु अपनी सेवा के बदले जो आपको किसी महापुरुष की निकटता प्राप्त हुई है उनसे शिकायत करके उसको उसकी दृष्टि में गिरा कर अपने अहम को ऊंचा करना बहुत बड़ा अपराध होता है। जो किया कराया होता है सब पर पानी फिर जाता है। इसलिए सेवा एक पवित्र वस्तु है। अंतरात्मा के उपकार पर कोई व्यक्ति अपने अहम को छोड़कर किसी महापुरुष की, सतगुरु की या राज्य की सेवा करता है, और जो करता है अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। सेवा किसी पर एहसान नहीं है। सेवा किए बिना तो हृदय निर्मल नहीं होता, और जिसने सेवा का बाना ओढ़ लिया उसके लिए समर्पण भी बहुत सामान्य सी बात आ जाती है। जो सेवा करेगा वही समर्पण करेगा। अब श्री जी मस्कत बंदर से चलकर आवासी बंदर पहुंचते हैं। चर्चा का प्रवाह शुरू हो जाता है। 6-6 घंटे लगातार चर्चा चलती है। प्रातः से शुरू हुई चर्चा दोपहर तक 6 घंटे लगातार श्री जी बोलते हैं। भोजन के पश्चात पुनः चर्चा प्रारंभ होती है। शाम को कुछ थोड़ा सा आराम करके पुनः जो चर्चा होती है तो सवेरा हो जाता है। ये तड़प है सेवा की, चर्चा की। ज्ञान के प्रचार बिना समाज का
दिशा निर्देशन नहीं होता, क्योंकि ज्ञान ही तो मार्ग दिखाता है। वर्तमान समय में देश में लाखों मंदिर हैं, और उन मंदिरों से कोई ज्ञान का संदेश नहीं दिया जाता, केवल पैसों का चढ़ावा चढ़ता है। आप बताइए, जिसकी कृपा से सारे ब्रह्मांड को जीवन मिलता है, जो सारे ब्रह्मांड का अधिकार है, आधार है, जिसकी कृपा के बिना एक पल भी ये ब्रह्मांड नहीं रहता, मनुष्य 100 रुपये, 1000 रुपये, 1,00,000 रुपये, कुछ सोने की ईंटें चढ़ा देता है तो सोचता है कि हमने परमात्मा पर एहसान किया। पहली बात तो यह है कि परमात्मा को धन की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा तो आपके हृदय का प्रेम चाहता है, और वह प्रेम भी आपके कल्याण के लिए है। क्योंकि यदि आप सच्चिदानंद परब्रह्म से प्रेम करेंगे तो माया से आपका ध्यान हटेगा और आपका जीव अनंत आनंद को का भोग करेगा। आप अपना धन परमात्मा के नाम पर न दें तो भी एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा। आप अपने परिवार के लोगों को देंगे, बेटे बेटियों को देंगे, पोते पोतियों को देंगे, रिश्तेदारों को देंगे, देना तो है। क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद मनुष्य तो धूल का एक कण भी अपने साथ नहीं ले जाता। मृतम शरीरम उत्सृज्य काष्ठलोश समंचितो विमुखा बांधवा यांत धर्म तम अनुगच्छत। मनुष्य के साथ उसका धर्म जाता है, उसके किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का परिणाम जाता है। इसलिए सोचना कि मैं धन को अपने साथ ले जाऊंगा बहुत बड़ी भूल होती है। मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसका अधिकांश भाग निरर्थक चला जाता है। कुछ पंडित पुजारी लेते हैं, कुछ ट्रस्टी लेते हैं, और जो बचा खुचा होता है सरकार के खजाने में जमा हो जाता है। क्या परमात्मा तक कोई पैसा पहुंचता है? आप 1,00,000 रुपये चढ़ा दिए, 10,00,000 सोने चढ़ा दिए तिरुपति बालाजी के मंदिर में, भला भगवान तक वो पैसा तक कहाँ गया? वह धन आप मानवता के कल्याण में खर्च कीजिए। दीन दुखियों के आंसू को देखिए, उन भूखे नंगे बिलखते हुए लोगों की के प्रति करुणा रखिए, क्योंकि ये भगवान की बनाई हुई मूर्तियां हैं। भगवान की बनाई हुई मूर्तियां यदि रोएंगी, भूख से बिलखेंगी, नंगे रहेंगी, तो उस पीड़ा को आप अनुभव में नहीं लाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और पत्थर के भगवान को 56 भोग खिलाएंगे, हीरे मोती के हार चढ़ाएंगे, तो कभी भगवान खुश नहीं होगा। आप कहीं ना कहीं उस सर्वशक्तिमान परमात्मा का उपहास उड़ा रहे हैं कि परमात्मा देखो तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियां तो भूखे नंगे घूम रही हैं और मेरी बनाई हुई मूर्ति सोने चांदी हीरे मोती के हारों से सिंहासनों से सुसज्जित है। इसलिए वर्तमान समय में जो ये प्रक्रिया चल रही है कहीं ना कहीं समाज के लिए घातक है। निष्काम भावना से की हुई सेवा हमारी आत्म जागृति का आधार बनती है। अब श्री जी देखते हैं कि मैं प्रतिदिन इतने लंबे समय तक चर्चा सुनाता हूँ, भैरव सेठ की आत्मा क्यों नहीं जागृत हो रही है? एक दिन चले जाते हैं, देख रहे हैं कि भैरव सेठ हुक्का पी रहा है। हुक्का आप समझते हैं, तंबाकू को एक मिट्टी के बर्तन में आग के सहारे जला दिया जाता है और हवा के सहारे उस धुएं को खींचा जाता है जो पानी के बर्तन में से होकर गुजरता है, उसको हुक्का कहते हैं। गाँव में लोग उसको पिया करते हैं। श्री जी ने कहा कि भैरव सेठ तुमने एक एहसान का कार्य किया है कि सब सुंदर साथ जो कैद में थे उनको छुड़ाया है। तुम माया के सेठ हो, मैं परमधाम के ज्ञान का सेठ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी आत्मा जागृत हो और मुझे केवल 1 महीने का समय दे दो। यदि 1 महीने में तुम्हारी आत्मा जागृत नहीं हुई तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। भैरव सेठ कहता है कि श्री जी आप जो कहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। श्री जी और कुछ नहीं कहते हैं, केवल एक बात कहते हैं कि भैरव सेठ ये जो तम्बाकू जो पी रहे थे ये छोड़ दो, पीना तम्बाकू छोड़ दे। मांस मछली सब शराब और सब कैफ पर दरा चोरी नकब। तम्बाकू ऐसी बला है, यदि मनुष्य
किसी से बोलता नहीं है बैर के कारण, और जिससे बैर हो वह कहीं तम्बाकू खा रहा हो तो वो अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देगा, सोचेगा कि किसी भी तरह से तम्बाकू मिल जाए, ऐसा नशा है। गद्धा भी जिस तम्बाकू को नहीं खाता मनुष्य अपने होठों के नीचे रखे रहता है। तम्बाकू के पौधे को कोई भी जानवर खाता नहीं है, लेकिन मनुष्य को वो प्राणों से प्रिय लगता है क्योंकि एक नशा है। संसार में ऐसी तृष्णाएं हैं जो मनुष्य को 84 लाख युनियों में भटकाती हैं, लेकिन ये तृष्णाएं नहीं छूटती। सर्वशक्तिमान अक्षरातीत से ज़्यादा कोई सुंदर नहीं है, ज़्यादा कोई प्रेम करने वाला नहीं है, उनसे निकट भी कोई नहीं है, और उनसे हमारा ज़्यादा शुभचिंतक भी कोई नहीं है, लेकिन अक्षरातीत से संसार को प्रेम नहीं है। संसार के लोगों को उनसे प्रेम है जो बाहर से दिखते हैं और एक न एक दिन संकट के समय हमारा साथ छोड़ जाएंगे। एक बात समझिए, मनुष्य की कमजोरी क्या है? दूसरों के अवगुणों को ज्यादा देखना और स्वयं आत्मचिंतन नहीं करना। एक महात्मा यदि ध्यान करने बैठता है तो उसका मन भटक जाएगा, क्योंकि वो सोचता है कि मैं तो घर द्वार छोड़ दिया हूं, दिन रात कर रहा हूं। किंतु यदि एक पापी व्यक्ति, यदि उसको एहसास हो जाए कि नहीं मैंने बहुत पाप किए हैं, तो सच्चे हृदय से बुराई को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे कि भैरव सेठ ने किया। भैरव सेठ मांस भी खाता है, शराब भी पीता है, तम्बाकू भी पीता है, दुर्व्यसनों से घिरा है, लेकिन परमधाम की आत्मा है। पाप जीव करता है, आत्मा नहीं, उसके हृदय में प्रेम का एक कोना है। यदि आपके हृदय में पवित्र प्रेम का एक कोना बसा हुआ है तो कितने भी कीचड़ में आप फंसे रहेंगे, राज्य आपको निकाल लेंगे। लेकिन हृदय में समर्पण ही नहीं, प्रेम नहीं, श्रद्धा नहीं, और आप अपने अवगुणों को छिपाते हैं, दूसरे के अवगुणों का बखान करते हैं, तो आपको कोई उबार नहीं पाएगा। एक बात ध्यान में रखिए, अपनी गलतियों का एहसास होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस दिन मनुष्य ये सोच ले कि मैं ये गलती कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना है, उसी दिन से वह ऊंचाई के पथ पर चढ़ता जाएगा। लेकिन यदि वह सब यह सोचता है कि मैं कुछ गलती नहीं कर रहा हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, सब गलत है, एक मैं केवल अच्छा हूँ, तो वो पतन की खाई में उसको गिरने से कोई बचा भी नहीं सकता। ये भी बात है। भैरव सेठ को एहसास है कि मैं मांस खाता हूँ, तम्बाकू पीता हूँ, शराब पीता हूँ, यदि यह छोड़ने से, एक महीना छोड़ने से मेरी आत्मा जागृत हो जाए और धामधनी के चरण कमल मिल जाए तो क्या मुश्किल है। प्रण करता है कि नहीं धामधनी, मैं अवश्य आपके निर्देश का पालन करूँगा। उसी समय उसने तम्बाकू पीने के लिए जो हुक्का था उसको पटक करके तोड़ दिया। हम क्या करते हैं? बुराइयों को छोड़ने के लिए समय की प्रतीक्षा करते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, करते करते कल कभी नहीं आता। अच्छाई की तरफ जब हम कदम बढ़ाएं तो उसी समय, और बुराई को छोड़ने के लिए समय की प्रतीक्षा न करें। बुराई को छोड़ने में एक पल की भी देर न लगाएं। लेकिन यदि हम चितवनी करते हैं, आज नहीं किया तो सोचते हैं कि कल कर लेंगे, कल फिर एक कोई बहाना ढूंढ लेते हैं, चलो आज रिश्तेदार आ गए हैं, कुछ काम बाकी है, कल और कर लेंगे। फिर अगला कल आता है, सोचते हैं कि अगले कल के लिए और प्रतीक्षा कर लें। ऐसा करते करते सारी उम्र निकल जाती है। यदि मनुष्य दृढ़ संकल्प कर ले कि बुराई अभी छोड़नी है, कल पर मत रखिए कि कल से मैं बीड़ी छोड़ दूंगा, कल से तम्बाकू छोड़ दूंगा, कल से झूठ बोलना छोड़ दूंगा, कल नहीं अभी। तभी कबीर जी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो। पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब, एक पल में प्रलय हो सकती है, कल पर मत छोड़िए, कल का कार्य अभी, कल का कार्य आज नहीं अभी। यदि आप ऐसा व्रत लेते हैं तो आप शिखर पर चढ़ते जाएंगे। बुराई को उसी क्षण छोड़िए और अच्छाई को उसी क्षण ग्रहण कर लीजिए, फिर देखिए आपके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। श्री जी का निर्देश पाकर उसने मांस शराब का परित्याग कर दिया। इसमें बाधक कौन होते हैं? जिनको हम अपना शुभ चिंतक समझते हैं,
क्योंकि परिवार संगे संबंधियों का संबंध किससे होता है? शरीर से, आत्मा से नहीं होता। पत्नी बड़बड़ाने लगती है कि ऐसे महात्मा आ जाते हैं जो नई नई सिखापन देते हैं, बिना मांस और शराब के शरीर कैसे रहेगा? याद रखिए, शराब में कोई स्वाद नहीं होता, जहाँ तक मैंने सुना है, मुझे अनुभव तो नहीं है, लेकिन पीने वालों से मैंने पूछा, बताते हैं कि कड़वी लगती है। कड़वी लगती है, फिर भी उसका नशा ऐसा होता है कि शराब के पीछे लाइन लगी रहती है। मांस में भी कोई स्वाद नहीं है, किसी को कच्चा मांस दे दीजिए, उसमें कोई स्वाद नहीं, स्वाद तो मिर्च मसालों का होता है। वही मिर्च मसाले नमक डाल डाल कर लोग हड्डी चबाते हैं। प्राणी प्राणी का मांस खाता है, यह राक्षसी प्रवृत्ति है। आज सारे संसार में मांसाहार की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, वो मनुष्य को आश्रय प्रवृत्तियों में धकेल रही है। यदि हिमालय पर्वत के लोग मांस खाना छोड़ दें, शराब पीना छोड़ दें, तो उनके हृदय में पवित्रता होती है, छल कपट वे नहीं जानते, भोले भाले होते हैं। दुर्भाग्य है कि दक्षिण भारत के लोग जहाँ गर्मी पड़ती है, अफ्रीका के लोग वहाँ गर्मी पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर 45 तक, वहाँ भी लोग मांस खाते हैं। पहाड़ वाले तो बहाना बना लेते हैं कि ठंडक से बचने के लिए हम मांस खाते हैं, लेकिन ठंडक और गर्मी का प्रश्न नहीं है। आप गंगोत्री जाइए, मांस तो दूर, लहसुन प्याज भी आप नहीं खा सकते हैं। गंगोत्री में जाड़े में टेम्परेचर -25 होता है, उससे भी नीचे चला जाता है। -25 में रहने वाला यदि बिना मांस के रह सकता है, शराब के रह सकता है, और तो और बिना लहसुन प्याज के रह सकता है, तो इस देश में गंगोत्री से ज़्यादा ठंडक तो कहीं नहीं पड़ती। और मांसाहार करके मनुष्य अपनी बुद्धि को दूषित करता है, उसके हृदय में विकार होता है। आप देखिए, एक जानवर को जब काटा जाता है कितना तड़पता है, मांस खाने के वाले के ऊपर उसकी आहें, उसकी आहों का पाप पड़ता है, उसकी एक एक आह उसके शरीर के मांस को काटती है। इसलिए मांसाहारी समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता। अमेरिका में पशुओं को खिलाने के लिए जितना अन्न खिला दिया जाता है मांस के लिए, यदि अमेरिका के लोग मांस खाना छोड़ दें, तो जितना अन्न पशुओं को खिलाया जाता है, उतने अन्न से आधी दुनिया बैठे बैठे खा सकती है। ये मांसाहार की प्रवृत्ति, ये शराब की प्रवृत्ति इतनी है, घातक है। यदि मनुष्य इसका परित्याग कर दे, तो सारे संसार में स्वर्ग जैसी स्थिति बन जाए, कोई दुखी न रहे, कोई भूखो नंगा न रहे, संसार के प्रत्येक व्यक्ति के पास बहुत अधिक दौलत हो जाए। लेकिन इसी में तो मनुष्य मर रहा है, जितनी अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसी मांसाहार और शराब से बढ़ रही है। क्योंकि मनुष्य में जब तामसिक प्रवृत्ति आएगी, तो जनता का अंधकार छाएगा, और उसमें न उसके मन को शांति रहेगी, न समाज में शांति रहेगी, चारों तरफ पाप का बोलबाला हो जाएगा। यदि आप अध्यात्म के स्वर्णिम पथ पर अपने कदम रखना चाहते हैं, तो आपको मांसाहार का त्याग करना ही पड़ेगा, और अपनी दुष्प्रवृत्तियों को छोड़ने में हीला हवाली नहीं करना होगा। जब आपको लगता है कि मेरे अंदर ये बुराई है, आप दूसरों से मत पूछिए कि क्या मैं बुरा हूँ, आप अपने हृदय से पूछिए, मैंने ये अपराध किया है या नहीं किया है। दूसरों से पूछेंगे तो कोई आपसे बैर क्यों लेगा, वो तो कह देगा कि नहीं नहीं आपने ठीक किया है, लेकिन आपकी अंतरात्मा जानती है कि आपने सही किया है या गलत। अंतरात्मा के निर्णय पर अपने कदम बढ़ाइए, अपनी दुष्प्रवृत्तियों को छोड़िए और सत्य को ग्रहण किए। भैरव सेठ ने यही किया, और जब तीसरे दिन श्री जी मूल मिलावे का वर्णन कर रहे होते हैं, पहले दिन समझाया कैसा है कालमया का ब्रह्मांड, जो आदिनारायण के संकल्प से उत्पन्न होता है, इसके परे है निराकार मंडल को पार करते हुए बेहद मंडल में प्रवेश करते हैं, जहाँ अक्षर ब्रह्म की चतुष्पाद भी होती है, जिसको वेदों में चतुष्पाद भूत्वा भोग्य सर्वम आदत्त भोजनम कहा गया है, त्रिभि पद्मद्याम आरहत आरोहत पादस्य ए अवत पुनः कहा गया है। ये चार पाद हैं अक्षर ब्रह्म के, चारों पाद प्रकाशमय अखंड है,
चौथा पाद अव्याकृत सृष्टि में बार बार प्रकट होता है सृष्टि के रूप में, और इनके परे है परम धाम। परम धाम के वर्णन में जब उन्होंने बताया कैसे यमुना जी के सातों घाट आए हैं और उसमें स्नान करके हमारी आत्मा चांदनी चौक को पार करते हुए जब मुख्य द्वार से प्रवेश करती है चार चौरस हवेलियों को उल्लंघन करके, तो सामने सिंहासन पर युगल स्वरूप कैसे विराजमान है। नख से सिख तक की शोभा का वर्णन कर रहे थे तो भैरव सेठ की सुरता यहीं बैठे बैठे तीसरे दिन ही अपने अंतः चक्षुओं से, अपने आंतरिक आंखों से देख लेती है कि कैसा परब्रह्म का अति सुंदर किशोर स्वरूप है, और उसकी आत्मा जागृत हो जाती है। खड़े होकर कहते हैं कि प्रियतम अक्षरातीत, मैंने आपकी पहचान कर ली है, अब मेरी आत्मा जागृत हो गई, मैं जीवन भर मान शराब का सेवन नहीं करूँगा, कभी परिस्त्री गमन नहीं करूँगा, कभी तंबाकू नहीं खाऊंगा, क्योंकि आपने मुझे अब जागृत कर दिया है। सब सोचते हैं कि हमारी तो उम्र गुजर जाती है, हम क्यों नहीं जागते हैं, क्योंकि हम भैरव सेठ नहीं बनना चाहते। चिंतामणि की आत्मा इसलिए जागृत हुई क्योंकि चिंतामणि ने अपने ज्ञान का अहंग छोड़कर अपने हजारों 1000 शिष्यों के सामने अपनी भूल स्वीकार कर ली। भैरव सेठ की आत्मा इसलिए जागृत हो गई क्योंकि उसने अपनी भूलों को स्वीकार किया और अपनी आपराधिक प्रवृत्तियों को उसी क्षण छोड़ दिया, हुक्के को फोड़ दिया, नहीं न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हम अपनी कालिमा को छिपाते रहते हैं, सबके सामने अच्छे बनने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमारा हृदय निर्मल नहीं हो पाता और हमारी आत्मा जागृत नहीं हो पाती। ये भैरव सेठ का प्रसंग, चिंतामणि का प्रसंग हमारे लिए एक मील का पत्थर है जो हमें प्रेरित कर रहा है कि यदि हम अपने भूलों को तुरंत छोड़ दें तो निश्चित है कि राज्य तो पल पल हमारे साथ है। भैरव सेठ अब जागृत हो गया है, चर्चा का प्रवाह बढ़ता जा रहा है, वहाँ माताओं बहनों का झुंड आने लगता है। तेजबाई एक बुढ़िया होती है उसके नेतृत्व में, घर वाले बड़ी बाधा खड़ी करते हैं। आप जानते हैं पति यदि धार्मिक क्रियाकलापों में ज़्यादा लगे तो पत्नी को बुरा लगता है, पत्नी ज़्यादा लगे तो पति को बुरा लगता है, दोनों एक साथ धार्मिक क्रियाकलापों में लगे ये कोई बिरला ही परिवार होता है। और यदि आप सत्य की राह पर चलते हैं तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं से विरोध होने लगता है, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। सबके दबाव पड़ने पर भी वे महिला वर्ग श्री जी के पास चर्चा सुनने से अपने को रोक नहीं पाती है, प्रवाह चलता रहता है। अचानक एक ऐसा हाकिम आता है वहाँ जिसको सहन नहीं है कि इस मुस्लिम देश में हिंदू धर्म ग्रंथों की चर्चा हो, यह कट्टरवाद सारे संसार में फैला हुआ है। आप अरुणाचल में खुलेआम मंच नहीं लगा सकते, त्रिपुरा में समस्या है, नागालैंड में तो आप लगा ही नहीं सकते, हिंदू धर्म का प्रचार करने का आपको अधिकार नहीं। केरला में भी काफ़ी कठिनाइयाँ हैं क्योंकि जहाँ कट्टरवादी विचारधारा फैल जाती है वो ये सहन नहीं कर सकती कि हमारी विचारधारा के अतिरिक्त किसी और की विचारधारा फैले। सब सुंदर साथ जो एक पल के लिए भी श्री जी का वियोग सहन नहीं कर सकते थे विवश होकर कहते हैं कि धामधनी अब आप यहाँ से पधारिए क्योंकि अब आपके यहाँ रहने से यहाँ उत्पात मचेगा, ऐसा जालिम हाकिम आ रहा है इस क्षेत्र में जो किसी भी हिंदू धर्म की गतिविधि को सहन नहीं कर सकता। अब जिसके हृदय में जैसी श्रद्धा होती है देते हैं श्री जी उससे लाकर अब प्रस्थान करते हैं। पहले ठट्ठे नगर आते हैं, ठट्ठे नगर में कुछ समय रहकर अब प्रस्थान करते हैं नलिये के लिए। नलिये में आते हैं, वहाँ धारा भाई मिलते हैं। धारा भाई अपना सारा प्रसंग सुनाते हैं कि धामधनी, रो रो कर धारा भाई कहता है अपनी आप बीती कहानी जो आज के समाज के लिए एक सबक है, उस रूढ़िवादी समाज के लिए जो ज्ञान की राह में सबसे बड़ी बाधा है और इसकी जड़ में है गादीवाद, व्यक्तिवाद, मठवाद, जिसने मानवता को
ऐसे अंधकार में धकेल रखा है कि मनुष्य में ज्ञान फैले ही नहीं। ज्ञान ही तो मनुष्य का आधार है। आहार, निद्रा, भय और प्रजनन तो पशु पक्षी भी करते हैं। यदि मनुष्य इसी में लगे रह जाए, अपने ज्ञान का विस्तार न करे, तो उसके जीवन की सार्थकता क्या है? धाराभाई अपनी व्यथा कहते हैं कि धामधनी, मैं चर्चा सुनाया करता था, खम्बालिये में मैं रहता था, चर्चा करता था तो राज्य की कृपा होने लगी, आवेश लीला होने लगी और सुंदर साथ को दर्शन होने लगे। ये तो राज्य की कृपा थी। सुंदर साथ ने मुझे आसन पर बैठा दिया। यह बात बिहारी जी को लगी और सुरजी भाई जो मस्कत में रहते थे वो आ गए थे, उनका पूरा सहयोग था। किंतु बिहारी जी महाराज ने उनको बुलाया और कहा कि देखो, यह जो धारा भाई है शूद्र जाति का है, छोटी जाति का है, यह मंच पर बैठकर, तखत पर बैठकर के सबको चर्चा सुनाए, तब तो हमारा संप्रदाय छोटी जाति वालों का हो जाएगा। इसको गांव से, नगर से बिल्कुल बाहर कर दो परिवार सहित। यह क्या है? तानाशाही मानसिकता। आप देखिए, सारी शिष्य तो बनाई हुई उस परमात्मा की है। परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में मनुष्य परमात्मा को ही कट वचनों से संबोधित करता है। वो मानने को भी तैयार नहीं है कि परमात्मा नाम की कोई चीज है। उसको कुछ क्षति होती है तो मनुष्य अपशब्दों से संबोधित करता है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमात्मा उसका परित्याग नहीं करता। हाँ, उसको दंड रूप में कुछ कष्ट मिलते हैं, लेकिन वह छोड़ता तो नहीं है। किंतु जो धर्म के स्थान हैं उनमें इस बात के लिए दंड दिया जाए कि कोई चर्चा क्यों सुनाता है, तो ये तो अधर्म है। ज्ञान का प्रसारण करना तो हर व्यक्ति का नैतिक उत्तरदायित्व है। हम ज्ञान को जितना ही बांटेंगे, ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। जितना ही उसको छिपाएंगे, उतना ही वो ज्ञान कम होता जाता है। यह बात सभी संत महात्माओं को समझनी होगी कि उनका जीवन तपोमय होना चाहिए, ज्ञान के प्रकाश के को फैलाने के लिए होना चाहिए, ज्ञान छिपाने के लिए नहीं है। एक अंधविश्वास से कि कान में मंत्र दो ताकि कोई सुने नहीं, सुन लेगा तो उसकी शक्ति कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सूर्य का प्रकाश फैल रहा है, आप जाड़े में धूप न सेकें तो सूर्य के प्रकाश पर कोई असर नहीं है। जितना प्रकाश है वो तो रहेगा ही, बल्कि उसके प्रकाश का जितना उपयोग होगा उतना ही सूर्य की गरिमा है। आप कमरे में ठिठुरन में बैठे रहें और सूर्य के प्रकाश को न लें तो इसमें आपका दोष है, सूर्य का नहीं। और यदि सूर्य ये सोचे कि मैं अपना प्रकाश न दूं तो संसार को तो कोई लाभ नहीं होगा। सूर्य अपना प्रकाश जितना बांटेगा, बादल जितनी वर्षा करेंगे, शीतल मंद सुगंधित हवा जितनी बहेगी, उसी में सूर्य की गरिमा है, उसी में हवा के झोंकों की गरिमा है और उसी में उन वृक्षों की तो गरिमा उसी में है जब वो फलों के बोझ से लद जाएं और सबको मीठा फल दे। नदी की गरिमा है कि उसका शीतल जल किसी के काम में आए। आपको परमात्मा ने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को छिपाते क्यों हैं? अज्ञानता के अंधकार में भटकते हुए मानवता को प्रेम का संदेश दीजिए। अपने ज्ञान के प्रकाश से उसके चर्म, उसके अंतक चक्षुओं को खोलिए तो संसार आपको याद करेगा। किंतु यदि कोई ज्ञान चर्चा सुनाता है और आप उसको समाज से बहिष्कृत कर देते हैं तो इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं होगा। बिहारी जी महाराज गादी के अभिमान में है। वो सोचते हैं कि जो वो करेंगे उस पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा करेगा। मनुष्य चाहे चक्रवर्ती सम्राट बन जाए, चाहे संसार का सबसे बड़ा विद्वान बन जाए, स्वयं के निर्णय को सर्वोपरि मानना तभी तक उचित है जब तक अंतरात्मा साक्षी देती है, जब तक धर्म के अनुकूल है। धर्म के विपरीत किसी का भी कथन हो, चाहे वो चक्रवर्ती सम्राट हो, चाहे कितना भी बड़ा सन्यासी हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, उसका कथन सर्वमान्य कभी भी नहीं हो सकता है। बिहारी जी महाराज
के निर्देश पर सुरजी भाई धारा भाई को बहिष्कृत कर देते हैं पूरे परिवार के साथ। धारा भाई भटकता जाता है, रो रो कर बिहारी जी के चरण पकड़ता है, लेकिन बिहारी जी महाराज पिघलते नहीं है। ये विकृति है, सूर्य के तेज से तो मोम पिघलता है। कहावत कही जाती है कि पत्थर भी कुछ न कुछ गर्म हो जाया करता है, लेकिन मनुष्य का हृदय जब कठोर बन जाता है और उसमें संवेदना नहीं रह जाती है तो ऐसे हृदय को पत्थर से भी ज़्यादा कठोर और शुष्क कहा जाता है। आप सोचिए, धर्म के नाम पर आतंकवादी छोटे छोटे बच्चों का कत्ल कर देते हैं, गोलियों से भून डालते हैं, कैसा है उनका खुदा जो छोटे छोटे बच्चों की हत्या पर भी पिघल नहीं रहा है। मनुष्य अपनी जीवा की तृप्ति के लिए कितने पशुओं को क्रूरतापूर्वक काटता है, उनकी करुण पुकार को नहीं सुनता। निसंदेह आज का मानव पत्थर से भी हृदय कठोर, पत्थर से भी कठोर हृदय वाला हो चुका है। उसको न वेद की ऋचाएं पवित्र कर सकती हैं, न कुरान की आयतें, न बाइबल के कथन, न संतों की वाणियां। जब तक मनुष्य अपनी क्रूरता को नहीं छोड़ेगा, दूसरों के दुख के प्रति संवेदना नहीं रखेगा, तब तक केवल धर्म के कर्मकांडों से उसका कोई भी उद्धार नहीं करने वाला है। धारा भाई रो रो कर अपनी व्यथा कहते हैं कि मैं कई दिन पड़ा रहा, बिहारी जी महाराज ने मेरी कोई प्रार्थना नहीं सुनी, अब तो आपके चरणों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब क्या करें। श्री जी ने कहा, धारा भाई तुम चिंता ना करो, बिहारी जी महाराज नलिये में आने वाले हैं, क्योंकि श्री जी ने ठट्ठे नगर से एक पत्र लिख दिया था कि बिहारी जी महाराज मैं अरब से आ रहा हूँ, मैं नलिये में आपसे आकर के मिलना चाहता हूँ, जागनी कार्य ऐसे ऐसे हुआ है, मैंने मस्कत बंदर में, आवासी बंदर में जो भी जागने लीला हुई है उसका सारा वृतांत आपको बताना चाहता हूँ। बिहारी जी महाराज का पत्र आ गया कि मैं कैसे आ सकता हूँ, मैं नहीं आऊँगा। दूसरा पत्र देकर विश्वनाथ जी को भेजते हैं और पत्र में क्या लिखा होता है कि मैं जगह जगह जहाँ गया हूँ धन संपदा बहुत मिली है, मैं क्या करूँगा, वह तो आपके चरणों में समर्पित मुझे करनी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके चरण कमल नलिये में आए। अब जानते हैं धन का मोह किसको होता है, जहाँ अज्ञानता होती है। बिहारी जी महाराज के अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं है, मोह अवश्य है धन का, और यही धन का मोह आज सामाजिक विकृति का मूल कारण है। मंदिरों में जो धन रखा है, जैसे तिरुपति मंदिर की वार्षिक आय 1800 करोड़ है, वैष्णो देवी मंदिर की आय 500 करोड़ है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर की वार्षिक आय 1500 करोड़ है, इसी प्रकार बड़े बड़े मंदिरों में करोड़ों रुपये का चढ़ावा है। इन मंदिरों के ट्रस्ट को या वहाँ के जो भी महंत हैं, वैसे तो इन मंदिरों का अधिग्रहण सरकार ने कर रखा है, सारी दीन दुखी मानवता के कल्याण में खर्च कर दिया जाए, भूख से बिलखते हुए बच्चों के आंसुओं को देखा जाए, नंगे पैर घूमते हुए उन आदिवासियों को देखा जाए, उनको शिक्षा दी जाए, भोजन दिया जाए, उनको मनुष्य कहलाने के योग्य बनाया जाए, तो इन मंदिरों की उपयोगिता कितनी बढ़ जाती। भगवान के नाम पर चढ़ाए हुए धन का वही सदुपयोग होता, लेकिन शुष्क हृदय वाले उन महंतों को कौन समझाने जाए कि तुमने घर द्वार छोड़ा है धर्म के कल्याण के लिए, मानवता के उद्धार के लिए, तुम 60-60 लाख की गाड़ियों में घूमते फिरते हो लेकिन किसी गरीब को गले लगाने के लिए तैयार नहीं होते। यदि अमीर सेठों को अपने आश्रमों में बुलाकर तुम धन लेकर उस धन से केवल सुख सुविधा ही भोगोगे तो क्या होगा, भूख और प्यास से तड़पते हुए, शिक्षा से विहीन, पशुओं जैसा जीवन बिताने वाले इन आदिवासी लोगों का उद्धार कौन करेगा। यही संवेदनहीनता इस देश को जर्जर कर रही है। धर्म में जो विकृति आ रही है उसका मूल कारण यही है कि हम धन का तो मोह रखते हैं लेकिन उस धन का सदुपयोग नहीं करते,
मंदिरों में चढ़ावे में चढ़ने वाला धन यदि धार्मिक शिक्षा के प्रकाश में प्रचार में लग जाए तो सारे देश में एक नवीन चेतना जागृत होगी जो भारत को स्वर्ण युग की तरफ ले जा सकती है। लेकिन मंदिरों में जब तक चढ़ावा चढ़ता रहेगा, उस चढ़ावे का दुरुपयोग होता रहेगा, उस चढ़ावे को वैभव विलास में खर्च किया जाएगा, तब तक समाज का कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। याद रखिए, मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिरों को तोड़ा, स्वर्ण शिखरों को तोड़ा, हीरे जवाहरातों से जड़ी हुई मूर्तियों को तोड़ तोड़ कर अपने घरों में ले गए, अपने यहाँ ले गए, मूर्तियों को अपने महलों की सीढ़ियों के नीचे रखा। तब भगवान को दया नहीं आई कि मेरी बनाई हुई मूर्तियों की क्या हालत हो रही है। आप कम से कम भगवान की बनाई हुई मूर्तियों पर तो तरस खाइए। आप 56 भोग भगवान को लगाते हैं, लेकिन यह भी तो सोचिए उस भगवान को लगाए हुए भोग के बदले आप सूखी रोटी भी किसी गरीब को खिला देते हैं तो उसका हृदय आनंद से भर जाएगा। निश्चित रूप से समझिए, उस गरीब के हृदय में रहने वाली आत्मा के अंदर जो अंतर्यामी परमात्मा बैठा हुआ है, आपका भोग तभी स्वीकार करेगा। ये 56 भोग केवल रखते आप हैं, परमात्मा कभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि आपके हृदय में गरीबों के लिए कोई करुणा की भावना नहीं है। बिहारी जी महाराज आते हैं, उनका स्वागत होता है। धारा भाई आकर के बताते हैं कि बिहारी जी महाराज आ गए। श्री जी स्वागत करते हैं, सबको निर्देश देते हैं कि उनका अच्छी तरह से स्वागत सत्कार हो। एक दिन श्री जी ने प्रार्थना की, अपना सारा जो कुछ था मस्कत से, अवासी बंदर से, ठट्ठा नगर से जो भी धनराज सेवा में मिली थी, सब कुछ बिहारी जी को सौंप दिया। केवल अपने पास 2 जोड़े कपड़े रखे, क्योंकि उस तन में स्वयं श्री राज बसते हैं। जिस धाम हृदय में राज्य बसते हैं, उस तन को संसार का समस्त वैभव भी आकर्षण में नहीं डाल सकता। उनको किसी धन से मोह नहीं है, जो मिला उस सौंप दिया। बिहारी जी महाराज कुछ समय तक तो खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही श्री जी ने कहा कि बिहारी जी महाराज आप धाराबाई को अपनी शरण में ले लीजिए, उसी क्षण उनका चेहरा तमक जाता है कि चाहे कुछ भी हो, धाराबाई चर्चा सुनाने लगा और मुझे तो एहसान ही नहीं है, मैं धाराबाई को स्वीकार नहीं करूँगा। कुछ दिनों के बाद श्री जी ने सोचा कि दोबारा कहूँ। बिहारी जी महाराज को क्रोध आ गया और कहते हैं कि चाहे तुम 100 बार कहो, मेरा एक ही निर्णय होगा कि धाराबाई को समाज से मैंने बहिष्कृत किया है, मैं पुनः ग्रहण नहीं कर सकता। ये क्या है? तानाशाही, क्रूरता, इसको कहते हैं निर्दयता। आप किस परमात्मा की भक्ति करते हैं? कैसा है वो परमात्मा जिसके नाम पर आप किसी गादी पर बैठते हैं और सबको बहिष्कृत कर देते हैं, कभी समाज में लेने का साहस नहीं करते? अब श्री जी के बार बार आग्रह करने पर सुंदर साथ कहते हैं कि श्री जी अपनी भी खैर मनाइए, कहीं ऐसा न हो कि आप उनकी सिफारिश कर रहे हैं आपको भी निकाल दे। मैं ये अंत में बिहारी जी महाराज किसी भी तरह से राजी नहीं होते, कहते हैं कि महाराज तुम किस पचड़े में पड़े हो, तुम ये सब ज्ञान चर्चा सुनाना बंद करो, कहीं जाकर के नौकरी करो। यदि धरोल में तुम नौकरी नहीं कर सकते, तुम जामनगर जाकर के राजा के यहाँ नौकरी कर लो, ये धर्म प्रचार का कार्य बंद कर दो। क्यों डरते हैं? कि वो सोचते हैं कि यदि ज्ञान का प्रचार फैल जाएगा तो हमारी गादी चली जाएगी। ये गादीवाद, ये जड़ पूजा, ये पौराणिक मान्यताएं हिंदू समाज को विध्वंस की तरफ ले जा रही हैं, और ज्ञान के प्रचार में ये सबसे बड़ी बाधा है। क्योंकि गादी पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि ज्ञान से दूर है, भक्ति भाव से दूर है, वैराग्य से दूर है, तो वो नहीं चाहेगा कि मेरे जीवित रहते रहते
मेरे बराबर या मेरे से श्रेष्ठ कोई व्यक्तित्व पैदा हो जो ज्ञान में, वैराग्य में, भक्ति में, शिष्टाचार में मेरे से आगे हो। इसलिए गांधीवाद कभी भी अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए तैयार नहीं होगा। आप देख रहे हैं 1000 वर्षों से मुगलों के कितने आक्रमण होते रहे, तुर्क आए, पठान आए, अफगान आए, मुगल आए, सबने इस देश को रौंदा, लूटा। क्या कोई महंत आया कि मैं अपने मठ का सारा धन शिक्षा पर खर्च कर रहा हूं? सभी आराम से पड़े रहे। 17 बार महमूद गजनवी आता है, तैमूर लंग आता है, खून की नदियां बह जाती है इस देश में, लेकिन महंत लोगों का हृदय नहीं पसीजा कि हम इस देश के लोगों को शिक्षा से युक्त कर दें, धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा दें, तो ये देश अपने आप खड़ा हो जाएगा। यदि अरब में रहने वाले क्रूर और हिंसक लोग एक इस्लाम की छत्रछाया में आने के बाद विश्व विजेता बनने का ख्वाब देखते हैं, तो भारत के लोग वेद शास्त्रों की शिक्षा पाकर अपनी रक्षा तो कर ही सकते थे, लेकिन इन महंतों ने, मठाधीशों ने कभी समाज की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। केवल यही चाहते रहे, चढ़ावा चढ़ते रहे हमारे भगवान के नाम पर। हम खीर पूड़ी हलवा खाते रहे, चादर तान कर सोते रहे, परिणाम क्या हुआ? देश गुलाम बनता रहा। इन्हें मुगलों की तलवार से कटने वाले प्राणियों की चीखें नहीं सुनाई दी कि तलवार से जब किसी को काटा जाता है कितनी पीड़ा होती है? केवल तैमूर लंग ने भक्टनेर तक पहुंचते पहुंचते 2 लाख हिंदुओं को कैद किया था, बच्चे, बूढ़े, जवान, सबको गाजर मूली की तरह कटवा दिया कि मेरा खुदा इससे खुश होगा। यदि उस करुण दृश्य को कोई महंत अपने हृदय में बसा लेता तो अपने ये मठ की एक एक ईंट को भी शिक्षा में लगा देता, गुरुकुल बना देता। यदि देश के सारे महात्मा एक एक गुरुकुल चला लें तो इस देश का हर व्यक्ति वेदांत का विद्वान बनेगा, उपनिषदों का विद्वान बनेगा, प्राणनाथ जी की वाणी का विद्वान बनेगा। जब चारों ओर ज्ञान की पताका फहराएगी तो कौन शालिग्राम की पूजा करेगा, कौन शिवलिंग की पूजा करेगा, कौन पत्थरों पर सिर को पटकेगा? लेकिन ये महंत मठाधीश कभी नहीं चाहते कि समाज में ज्ञान फैले। अब बिहारी जी नहीं चाहते हैं कि किसी तरह ज्ञान फैले, सामने तो रोक नहीं पा रहे हैं, एक कृपा कर जाते हैं, खंबालिया के राजा को चुगली कर देते हैं। जाते जाते श्री जी ने बिहारी जी को धन दिया होता है, लेकिन बिहारी जी को उससे उसका एहसान नहीं मानते, उल्टे सोचते हैं कि खंबालिया के राजा से चुगली कराकर मिहराज की हत्या करा दो। यही है प्रवृत्ति। अज्ञानता में डूबा हुआ व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश को रोकने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है, और बिहारी जी ने ये करके दिखाया। अब श्री जी जब नाव पर चढ़ने वाले होते हैं उनको छींक आती है, और असावधानी के कारण जब वे अपने शरीर को संभालते हैं तब तक हवा का एक झोंका नाव को बाहर ले जाता है, क्योंकि नलिये से खंभालिये जाना होता है। श्री जी उस पर चढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि मूल स्वरूप ने जिस तन से लीला करनी है उस तन की रक्षा करना हमारा नैतिक उत्तरदायित्व होता, उनका नैतिक उत्तरदायित्व होता है। आप सोचिए, आप सो रहे हैं, भयंकर नाग आपके पास आ रहा है, आपको तो नहीं पता, राज्य को तो पता है, आपकी रक्षा हर पल वो करते हैं। आप उनको याद करो या न करो, आपको सर्वशक्तिमान परमात्मा हर पल देखता है, हर पल आपसे प्रेम करता है, लेकिन ये पत्थर हृदय मनुष्य है जो हर पल उनसे प्रेम नहीं रखता। छींक के बहाने श्री जी को नाव पर चढ़ने का अवसर नहीं दिया जाता है। जब वहाँ नाव जाती है राजा के आदमी पकड़ लेते हैं। खंबालिये के राजा को बैर था और वो अपना बैर निकालना चाहता था श्री जी को मारकर। बिहारी जी को ये पता था और ऐसा ही कर देते हैं चुगली। उस समय जो भी सुंदर साथ सूरत के आए थे, तेज गोरी भी थी, सभी उस नाव में बैठे थे, पकड़े जाते हैं।
खम्बालिया का राजा पूछता है कि इसमें महराज कौन है, सब कह देते हैं कि इनमें कोई महराज नहीं। पुनः पूछता है कि इसमें तेज कुंवरी कौन है, क्योंकि बिहारी जी महाराज सारा भेद दे दिए होते हैं कि तेज कुंवरी भी है महराज भी है। अब सबने कह दिया कि ये तो हमारी बहन है, ये तेज कुंवरी नहीं है। देखिए सारी पृथ्वी का भी राज्य मिल जाए तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यदि आपके झूठ बोलने से किसी प्राणी की रक्षा हो जाए तो वहाँ झूठ अवश्य बोल देना चाहिए, क्योंकि आप स्वार्थ के लिए नहीं बोल रहे हैं, किसी प्राणी को जीवन दान देने के लिए बोल रहे हैं। धर्म यही कहता है। अब सबने कह दिया कि हमारी बहन है, हम तो भात देने के लिए आए थे। राजा कहता है कि यदि आप इनका कच्चा भोजन खा लो तो मैं मान लूँगा कि ये तेज कुंवरी नहीं है, क्योंकि बिहारी जी महाराज ने खम्बालिये के राजा को सारा हुलिया यानी वेशभूषा भी तेज कुंवरी की आई, तेज कुंवरी जी की वेशभूषा भी बता दी थी। राजा को शक तो हो रहा था, लेकिन बिना प्रमाण के क्या करें। आप जानते हैं हिंदुओं ने जब से वेद शास्त्र पढ़ना शुरू समाप्त कर दिया, छोड़ दिया, तब से उनका धर्म केवल चूल्हा चक्की पर रह गया। शूद्र का छुआ हुआ ब्राह्मण न खाए, वैश्य का छुआ न खाए, और तो और क्षत्रिय का छुआ न खाए, लेकिन ब्राह्मण का छुआ ब्राह्मण ही न खाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। मदन मोहन मालवीय भी सनातनी पंडित और पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी महान विभूति, दोनों विभूतियां ब्राह्मण थीं, लेकिन दोनों एक दूसरे का छुआ नहीं खाती थी। यही हिंदू समाज के पतन का कारण है। कोई किसी का छुआ नहीं खा रहा है। अरे भाई, मनुष्य मनुष्य का छुआ हुआ नहीं खाएगा तो किसका छुआ खाएगा। छूने से धर्म और अधर्म थोड़े हो जाता है। भगवान राम ने सबरी के बेर खाए। सबरी कितनी छोटी जात की थी, और उसका भाव रखने के लिए स्वयं भगवान राम चलकर जाते हैं। उसने चख चख कर जूठे बेर रख रखे थे कि मैं भगवान आएंगे उनको बेर खिलाऊंगी, और भगवान ने सब कुछ खाया। विदुर के घर भगवान श्री कृष्ण ने विदुर की पत्नी के दिए हुए केले के छिलके खाए। दुर्योधन के मेवा मिष्ठान को ठुकरा दिया, कहा कि दुर्योधन तुम्हारे अंदर श्रद्धा नहीं है, मैं तुम्हारे मेवा मिष्ठान को नहीं खाऊंगा। और विदुर के घर गए, विदुर की पत्नी स्नान कर रही है, श्री कृष्ण मांग कर खाते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से भोजन लाओ। विदुर की पत्नी को इतना भी एहसास नहीं रहा कि मैं स्नान कर रही हूँ, नंगे आकर के केले खिलाने लगती है। इतनी भाव विवल है कि आज मेरे घर स्वयं भगवान आए हैं और मांग कर खा रहे हैं। केले के छिलके खिलाती जाती है, और भगवान ने कभी नहीं कहा कि असली केला दो, छिलके ही खा रहे हैं। उनको तो ध्यान ही नहीं रहा, वो छिलके खिलाती जाती है, गुदा फेंकती जाती है, और भगवान कृष्ण प्रेम के बस में उसके छिलके को खा रहे हैं। विदुर आते हैं, कहते हैं पगली तू कर क्या रही है, छिलके खिला रही है और गुदा को फेंकती जा रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विदुर जी, इस छिलके में जो स्वाद है वह स्वाद तो बैकुंठ के भी केले में नहीं होगा। ये है इस देश की संस्कृति। जबकि विदुर क्या थे, शूद्र थे, शूद्र स्त्री से पैदा हुए थे, वो ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय नहीं थे, वैश्य नहीं थे। भगवान कृष्ण शूद्र का दिया हुआ खाते हैं, छिलके खाते हैं, केवट को गले लगाते हैं, लेकिन जब से इन कर्मकांडियों ने, पत्थर पूछने वालों ने, जिन्होंने वेदों को आंखों से देखा नहीं, वेदांत का कोई सूत्र याद नहीं, गीता का अर्थ नहीं, और जन्म से ब्राह्मणत्व का दावा करते हैं, उन्होंने ये छूत छात पैदा की, हर एक को इस अलग अलग कर दिया। परिणाम ये देश हजार वर्षों तक गुलाम रहा। जब बाबर ने आक्रमण किया था राणा सांगा के पास बहुत शक्ति थी। बाबर ने अपने जासूस गुप्तचर भेजे कि जाकर पता लगाओ। पहले तो इन पौराणिकों ने कहा अभी आपके आक्रमण करने का समय नहीं है, यदि राणा सांगा उसी समय आक्रमण करते तो जीत जाते। गुप्तचर देखते हैं कि
सेना में अलग अलग चूल्हे जल रहे हैं। जाकर के पता किया तो पता चला कि अलग अलग जातियों के लोग हैं और एक जाति के लोग दूसरी जाति का छुआ नहीं खाते हैं। बाबर को जैसे ही सूचना मिली कह दिया कि अभी आक्रमण कर दो। जिस देश के लोग एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं वो देश कैसे जीतेगा। मुझे तो बहुत तरस आता है जब मैं देखता हूँ कि सभी जातियों के श्मशान घाट भी अलग अलग बने होते हैं। श्मशान आप दाह संस्कार करने चाहिए ब्राह्मणों के अलग श्मशान केंद्र बने होते हैं, क्षत्रियों के अलग बने होते हैं, जैनियों के अलग बने होते हैं, छोटी जाति वालों के अलग अलग बने होते हैं। अरे भाई तुम एक जगह बैठकर भोजन नहीं कर सकते, एक जगह बैठकर मृतक का दाह संस्कार नहीं कर सकते। धर्मशालाएं भी जातियों के नाम पर बनाते हो, जाट धर्मशाला, हिंदू ब्राह्मण धर्मशाला, क्षत्रिय धर्मशाला, आखिर तुम क्या चाहते हो? मानो मानो को जातियों के नाम पर बांट कर लड़ाने वालों तुम इस धर्म के सबसे बड़े शत्रु हो। मनुष्य की कोई जाति नहीं होती, मनुष्य की एक जाति होती है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये कर्मों के अनुसार बनते हैं, जन्म के आधार पर कोई जाति नहीं होती। देश में 1200 जातियाँ हैं और सभी जातियाँ आपस में लड़ती रहती हैं। ये दुर्भाग्य है। जिसको इस देश की संस्कृति से प्रेम होगा वो कभी जाति बिरादरी की भावना से नहीं देखेगा, हर प्राणी को एक मानव के रूप में देखेगा। और जब तक ऐसा नहीं होगा इस देश का कल्याण ये मंदिर नहीं करेंगे। एक मंदिरों के घंटे घड़ियालों में कोई शक्ति नहीं है। शक्ति है तो वेद शास्त्रों के धर्म ग्रंथों के ज्ञान में। घंटियों को सुनने से कभी मन की पवित्रता बढ़ नहीं सकती है। मन में पवित्रता आएगी धर्म ग्रंथों के ज्ञान का प्रकाश होने से। और जब सबके अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा, ध्यान की प्रवृत्ति बढ़ेगी, तभी समाज में एकता आएगी, तभी गीता का कथन या चरितार्थ होगा कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तिन सुनिच्च एव सुपाकी च पंडिता समदर्शिना। विद्या और विनम्रता से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चंडाल में जो सब में एकत्व को देखता है वही पंडित कहलाने का अधिकारी होता है। जन्म से कोई पंडित नहीं होता, कोई ब्राह्मण नहीं होता, कोई क्षत्रिय नहीं होता, सभी कर्म से बनते हैं। अब उस समय ये परंपरा थी क्योंकि जो सुंदर साथ पकड़े गए थे उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण हैं। खंभालिया के राजा ने सोचा कि ब्राह्मण क्षत्रिय का कच्चा भोजन नहीं खा सकता, हाँ पक्का भोजन खा सकता है। पक्का भोजन जो घी में तला गया हो, घी में पूड़ी तल दिया जाए, पकौड़े तल दिया जाए, हलवा हो जाए, दूध में खीर बना दिया जाए तो इसमें कोई पाप नहीं है। और पानी में जो पका दिया जाए वो कच्चा भोजन है। पानी में यदि चावल पकाया जाता है तो आग से पकाने पर तो पक्का ही हो गया, लेकिन स्वाद के चक्कर में इन पौराणिकों ने नियम बना दिया कि जो तो स्वादिष्ट लगे उसमें कोई पाप नहीं और जो कम स्वादिष्ट लगे उसमें छूत छात मान लेते हैं। राजा ने कहा कि चलो कच्चा भोजन बनाओ और ये खा लेंगे तो मैं मान लूँगा कि ये तुम लोग ब्राह्मण हो और इसमें तेजकुंवरी जी नहीं है। करना था कर दिया। सुंदर साथ में तो जाति परंपरा होती ही नहीं। जिनके हृदय में प्रीतम का ज्ञान का प्रकाश आ गया उनके अंदर जाति पाति की बुराई कहाँ से आ सकती है। हाँ जो पत्थरों को ही परमात्मा समझते हैं उनके लिए ब्राह्मण और शूद्र में भेद होता है। जब गीता कहती है कि ब्राह्मण और चंडाल में भेद मत देखो तो हम किस आधार पर भेद करते हैं ये छोटी जाति या बड़ी जाति। शंकराचार्य को भी इस अवस्था से गुजरना पड़ा था। काशी के गलियों में घूम रहे थे, उनके ज्ञान का डंका बज रहा था। एक दिन शंकराचार्य सामने आते हैं, चल रहे होते हैं शिष्यों के साथ। एक चंडाल सामने से आकर खड़ा हो जाता है, उसके साथ कुत्ते भी हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि हटो चंडाल, तुम्हें दिखाई नहीं देता। चंडाल भी खड़ा हो जाता है, कहता है कि आचार्य कौन हटे, क्या ब्रह्म के सामने से ब्रह्म हटे। शंकराचार्य सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि उनका कथन होता है अर्थ अर्थ श्लोकेन प्रवक्षामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी
ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म न एव अपरा। जीव और ब्रह्म दो नहीं है। उनका कहना है कि सारा संसार ब्रह्म रूप है। चिदाभास कोई वो जीव कहते हैं। ब्रह्म की चेतनता का भास जब जड़ अंतकरण में पड़ता है तो उसको कहते हैं चिदाभास। चंडाल पुनः पूछता है कि आचार्य आपका ब्राह्मण शरीर है, मेरा चंडाल शरीर है। सूर्य का प्रकाश गंदे नाले में भी पड़ता है और सूर्य का प्रकाश गंगा जल में भी पड़ता है, तो क्या सूर्य के प्रकाश में कोई विकृति हो जाती है? मेरी चेतना में भी तो वही ब्रह्म का प्रकाश है, चिदाभास वही है जो आपके है। केवल शरीर का अंतर है, आपका शरीर जन्म से ब्राह्मण का है, मेरा शरीर जन्म से चंडाल का है। शंकराचार्य को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने अपने शिष्यों के सामने अपना सिर उस चंडाल के चरणों में रखकर क्षमा मांगी। लेकिन वो शंकराचार्य थे, वेद शास्त्रों के पारंगत विद्वान थे, किंतु पत्थर को पूजने वाले इन पौराणिक पंडितों को कभी बुद्धि नहीं आई कि हम कर क्या रहे हैं। अपने ही भाई बंधुओं को दलित कहकर ठुकराते हैं, आदिवासी कहकर ठुकराते हैं, करोड़ों हिंदू विधर्मी हो गए, जो गाय को माता मानते थे वो गोमांस भक्षी बन गए। आप जाकर देखिए नागालैंड में, जाकर देखिए दक्षिण भारत में, केरला में देखिए, पूर्वोत्तर भारत में देखिए, गांव के गांव लोग दलित क्यों बने? उनको घृणा से देखा गया, उनको गले नहीं लगाया गया, उनको अपने साथ बैठने नहीं दिया गया, तो क्या करेंगे? मनुष्य कब तक अपमान झेलेगा? इसलिए धर्म के नाम पर जो अत्याचार किया जाता है वो बहुत ही भयानक होता है। वहां से पहुंचकर सब सुंदर साथ धोराजी पहुंचते हैं। श्री जी कच्छ से होते हुए रण मार्ग से सन्यासी का वेश बनाकर पहुंचते हैं धोराजी। प्रेमजी थावर भाई सुनते हैं और गाड़ी पर बैलगाड़ी पर सब सुंदर साथ को बैठाकर घोघा चलते हैं, क्योंकि घोघा से सुहाली जाना है, सुहाली से सूरत जाना है। जब बैलगाड़ी में चल रहे होते हैं समुद्र का किनारा होता है, गाड़ी के पांव धंसने लगते हैं और गाड़ीवान हंटर बरसाता रहता है बैलों पर, उस समय एक मधुर किरंतन उतरता है, धोरीडा मामु के तारी धूसरी। धोरीडा मामु की तारी धूसरी, धोरीडा मामु के तारी धूसरी, धोरीडा मामु की तारी धूसरी। वाटड़ी विस्मी गाड़ी भर भरी धोड़ीड़ा, मामु की तारी धूसरी। धोड़ीड़ा अरे मारे रे हर तूने गोदे घणे रे, धोड़ीड़ा धोड़ीड़ा अरे मारे रे हर तूने गोदे घणे रे, तूता ना केना थानो रे तूता बंध बंधाणो, ना केना थानो रे तूता बंध बंधाणो, गुण अपने रे मामो के तारी धूसरी, धोड़ीड़ा मामो के तारी धूसरी। थोड़ीड़ा अवाचक थायो रे
मुख थी ना बोलाए रे धोड़ीड़ा अवाचक थयो रे मुख थी ना बोलाए रे कल ने वेलू रे धोरी उबट उचाणो कल ने वेलू रे धोरी उबट उचाणो श्वास मा खाए रे मामू के तारी धूसरी धोड़ीड़ा मामू के तारी धूसरी ધોડીડા ઘણું દોહેલું છું રે કીધા ભોગવે રે તારે કાંધી ચાંદી રે તારે કાંધી ચાંદી રે દુખડા સહે રે मामू के तारी धूसरी धोड़ीड़ा मामू के तारी धूसरी वाटड़ी विस्मी वाटड़ी विस्मी गाड़ी भर भरी धोड़ीड़ा मामू की तारी दूसरी धोड़ीड़ा वही ने छूटे रे धो छूटे रे करम अपना रे महराज कहे म महराज कहे म किधा छे घना रे मामू के तारी दूसरी धोड़ीड़ा मामू के तारी दूसरी वाटड़ी विस्मी वाटड़ी विस्मी गाड़ी भर भरी धोड़ीड़ा मामू की तारी दूसरी धोड़ीड़ा 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 मामू की तारी धूसरी रे। इस कीर्तन में कहा गया है गाड़ीवान कौन है बिहारी जी महाराज। गाड़ी जागने की गाड़ी चल रही है लेकिन मार्ग रेतीला है उबड़ खाबड़ है कीचड़ से भरा हुआ है। जागने का पथ ऐसा है इतने इतनी बाधाएं हैं कि उसमें महराज का जीव बैल के रूप में सारी गाड़ी के बोझ को ढो रहा है। कंधे पर उसकी चांदी है जुआ है कंधे पर घाव हो गए हैं सबका बोझ ढोते ढोते वो हांफ रहा है लेकिन निर्दयी बिहारी जी महाराज बार बार सुए चुभो रहे हैं कष्ट दे रहे हैं। प्रश्न है आखिर बैल क्या करे क्या वह जुआ उतार दे। महराज कहते हैं मेरे जीव तेरे कंधे पर राजी ने सुंदर सात की जागने का जुआ रख दिया है चाहे कितने भी घाव तेरे कंधे में हो जाए इन सुंदर सात का तो दोष नहीं है तुम्हें सबको मूल मिलावे तक ही लेकर के पहुंचना है चाहे बिहारी जी कितने सुए चुभ हैं चाहे मार्ग में कितने भी कष्ट आए
सबका बोझ खींचते खींचते भले ही तू हाँफ जाए, भले ही कितने भी कष्ट झेलना पड़े, किंतु मोल मिलावे से पहले तुम्हें रुकना नहीं है। यही मधुर भाव इस कीर्तन में दर्शाया गया है। अब श्री जी सूरत पहुँचते हैं। मोहनदास अमीन के यहाँ कुछ चर्चा होती है, लेकिन वहाँ वैष्णव लोगों का विरोध बहुत अधिक होता है। पुनः बगल में शिवजी भाई के यहाँ ठहर जाते हैं। 17 माह वहाँ रहते हैं। 17 महीने रहने के पश्चात वहाँ कलश वाणी का अवतरण होता है। शिवजी की आत्मा को प्रबोधित करके शिवजी और राम जी दोनों सगे भाई हैं, दोनों को भेजते हैं, जाकर बिहारी जी महाराज से आशीर्वाद लो। शिवजी धनवान हैं, घोड़े पर चढ़ करके जाते हैं, असरफियाँ भेंट करते हैं, बिहारी जी महाराज मिलते हैं। राम जी भाई बहुत गरीब हैं, बिहारी जी महाराज मिलने से भी मना कर देते हैं। यही सबसे बड़ी विकृति है समाज में, धनहीन को कोई नहीं पूछता। द्वारिका में एक मंदिर है जिसको कहते हैं भेंट द्वारिका। यदि आप भेंट नहीं चढ़ाएंगे तो भगवान भी दर्शन नहीं देंगे। कैसे भगवान है जो पैसे पर ही दर्शन देते हैं? जो हृदय में भगवान बसता है उसकी तरफ कोई नहीं देखता। तिरुपति मंदिर में जाइए, वीआईपी। वीआईपी किसको कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति को वीआईपी कहते हैं। वे वीआईपी क्यों बने हैं? क्योंकि उनके पास पैसा है। पैसे वालों की एक अलग पंक्ति होती है, और जो गरीब लोग होते हैं उनकी कई किलोमीटर तक की पंक्ति बनी रहती है, बेचारे खड़े रहते हैं। कब भगवान को देखें? भगवान की मूर्ति के सामने जाते हैं, आधे मिनट में ही पंडित कहते हैं जल्दी भागो जल्दी भागो। जो हृदय में सर्वशक्तिमान परमात्मा बस रहा है, अपनी आँखों को बंद करके को उसको क्यों नहीं देखते? क्यों 4-4 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी रहती है? आप 1 किलो सोना भेंट करते हैं तो आपको भगवान का पहले दर्शन करा दिया जाता है। आपके पास 100 रुपये की भेंट है तो आपको कई किलोमीटर की लाइन में घंटों खड़े रहना पड़ता है। यह अध्यात्म नहीं है। गीता डिंडिम घोष के साथ कह रही है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठत अर्जुन। सबके हृदय में परमात्मा है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चंडाल सबको प्राप्त करने का अधिकार है। तारतम वाणी का प्रकाश, वेद का प्रकाश सबके लिए है। मानव मात्र में वर्ग के नाम पर, जाति के नाम पर, स्थान के नाम पर घृणा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के यजुर्वेद के 26वें अध्याय के 2वें मंत्र में वेद क्या कहता है सुनिए। यथा इमाम वाचम कल्याणीम आबदाम जनेभ्य ब्रह्म रजन्नाभ्याम शूद्राय च आर्याय च स्वाय च चरणाय च। मैंने इस वेद वाणी को ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए, स्त्री के लिए, सबके लिए किया है। संपूर्ण मानव मात्र के लिए है यह वेद। ज्ञान सबके लिए है, और जब तक उस ज्ञान को आप फैलाएंगे नहीं, कैसे मालूम होगा कि परमात्मा कौन है, हम कौन है, आए हैं कहाँ से आए? इसलिए जब समाज विकृत होता है तो ज्ञान को ढक देता है और तरह तरह के आडंबरों का प्रकाश हो जाता है। इसलिए आज हिंदू समाज में जो भी विकृति दिखाई दे रही है उसका मूल कारण है अज्ञानता का अंधकार चारों तरफ फैल चुका है। अब बिहारी जी महाराज ने राम जी भाई से मिलने से भी मना कर दिया। कई दिन तक दरवाजे पर पड़ा रहा, लेकिन किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। निराश होकर के वो चला आता है, क्योंकि आप देखिए जामनगर बेचारा जाता है सूरत से, पैदल चलने में कितने दिन लगे होंगे। बिहारी जी महाराज ने प्रणाम तक स्वीकार नहीं किया, अपनी छवि भी दिखाने से मना कर दिया। भगवान का दर्शन जो सर्वसुलभ है उसको ऐसा विकृत कर दिया है कि पैसे पर भगवान का दर्शन हुए। भर्तृहरि ने एक बहुत अच्छी बात कही है वैराग्य शतक में कि रेमन तू उन सम्राटों से क्यों मिलना चाहता है जिनसे मिलने के लिए जाने पर उनके द्वारपाल कहते हैं कि अभी महाराज विश्राम कर रहे हैं, अभी दर्शन नहीं हो सकता।
तू सम्राटों के सम्राट उस सर्वशक्तिना शक्तिमान परमात्मा को अपने हृदय मंदिर में क्यों नहीं देखता, उनसे क्यों नहीं मिलता, क्यों उन महाराजों से मिलने का प्रयास करता है? धर्म में भी जो बड़े बड़े गादीपति हैं उनको भी महाराज कहा जाता है, राजाओं को भी महाराज कहा जाता है और गादीपतियों को, महंतों को भी महाराज कहा जाता है। इनसे मिलना भी टेढ़ी खीर होती है। बुद्ध से मिलने में कोई समस्या नहीं, दयानंद से मिलने में कोई समस्या नहीं, शंकराचार्य से मिलने में कोई समस्या नहीं, लेकिन तथा कथित जो वर्तमान समय में बड़े बड़े गादीपति महंत मिलते हैं, इनसे मिलना तो बहुत बड़ी बात होती है। पहले मिलने के लिए भी पैसा जमा करो, समय की प्रतीक्षा करो, तब दर्शन मिलेगा। पूछिए ज्ञान का मिलता है? कुछ नहीं। जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलेगा, प्रेम की धारा प्रवाहित नहीं होगी, आपकी अंतरात्मा को कौन जगा सकता है? इसलिए यदि आप परमात्मा की खोज करना चाहते हैं तो ब्रह्मनिष्ठ की शरण में जाइए। तत् विचारणार्थ स गुरुमेव गच्छेत् समित प्राणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्मनिष्ठ की शरण में जाइए, उनकी शरण में न जाइए जो किसी ट्रस्टियों की कृपा से किसी गादी के अधिकारी हो चुके हैं, कई स्थान के स्वामी बन चुके हैं। अब रामजी भाई ने कहा कि श्री जी, यदि बिहारी जी महाराज अक्षरातीत भी हों तो मुझे ऐसी अक्षरातीत की कोई आवश्यकता नहीं, मैं भूखो प्यासे कई दिन बैठा रहा। उन्होंने दर्शन देने से भी मना कर दिया। श्री जी यह सुनकर बहुत व्यथित होते हैं, लेकिन क्या करें, समय का प्रकाश, समय समय पर वाणी का प्रकाश बढ़ता जाता है। श्री जी की अलौकिक चर्चा से सारा सूरत नगर अचंभित रह जाता है। सर्वदेशी चर्चा होती है, अखंड ब्रजराज की भी चर्चा होती है, वेदांत की भी चर्चा होती है, संत वाणी की भी चर्चा होती है। श्याम जी और भीम जी वेदांत के प्रखर विद्वान हैं। वे श्री जी के मुखारविंद से जब परब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला के बारे में सुनते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वेदांत का अध्ययन तो किया था। वो यही मानते थे कि सारा संसार ब्रह्मरूप है, किंतु जब श्री जी ने बताया कि ये तो संसार स्वप्नवत है, काल आवत कबू ब्रह्म भवन में तुम क्यों न विचारो सोई, अखंड साई जो यामे होता तो भंग ब्रह्मांड को न हुए। इस सृष्टि के कणकण में परमात्मा का स्वरूप विराजमान होता तो कोई मरता नहीं, अज्ञान नहीं होता। आप बताइए, यदि सारी सृष्टि ब्रह्मरूप है तो नरक क्यों बना है? सारी सृष्टि ब्रह्मरूप है तो सब कुछ आनंद में ही होना चाहिए, दुख क्यों है? जन्म मरण का चक्र क्यों है? हमारे हृदय में विकार क्यों है? जहाँ ब्रह्म है वहाँ तो माया नहीं, वहाँ काल नहीं। और इस संबंध में कीर्तन उतरता है। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई देख्या, तुम सकल में साई देख्या, ए संसार सकल है सुपना तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेख्या, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ। सत सुपने में क्यों कर आवे, सत सुपने में क्यों कर आवे, सत साई है न्यारा,
पार ब्रह्म सो पर जाना ही, तुम पार ब्रह्म सो पर जाना ही, तो क्यों उतरोगे पारा। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई देख्या। काल आवत कभु ब्रह्म भवन में, काल आवत कभु ब्रह्म भवन में, तुम क्यों न विचारो सोई। अखंड साई जो या में होता, अखंड साई जो या में होता, तो भंग ब्रह्मांड क्यों होई। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई देख्या। कई दरवाजे खोजे कबीरे, कबीरे कई दरवाजे खोजे कबीरे, बैकुंठ सुने सब देख्या। आखिर जाए के प्रेम पुकारया, आखिर जाए के प्रेम पुकारया, तब जाए पाया लेखान। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई देख्या। भाई रे ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म सुपने में, भाई रे ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म सुपने में, महामत कहे यो पाए, पार निकस के पूरन होए, पार निकस के पूरन होए, तब फिर सब दृष्टि दिखाइए। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई देख्या। ए संसार सकल है सुपना, तो पार ब्रह्म क्यों पेख्या। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ। जब श्री जी ने वेदांत के ग्रंथों से सत्य की पहचान कराई,
जिसमें ऋषियों ने कहा था अस्तो मां सतगमे, हे परब्रह्म इस असत्य जगत से मुझे सत्य की तरफ ले चल। तमसो मां ज्योतिर्गमे, अनजानता के अंधकार से शाश्वत प्रकाश की तरफ ले चल। मृतोर मां अमृतम गमे, मृत्यु से मुझे अमृत की तरफ ले चल। उनको समझ में आ गया यह सुनकर कि यह सत जगत तो असत जड़ और दुखमयी है, जबकि ब्रह्म क्या है, सत्चित और आनंदमयी है। वेदों ने बार बार कहा है कि प्रकृति से परे वो परमात्मा है, और इसीलिए कहा आदित्य वर्ण तमस परस्तात। तमस कहते हैं माया के अंधकार को, माया के अंधकार से परे अनंत सूर्यों के समान आदित्य वर्ण वाला अखंड स्वरूप वाला वह परमात्मा है। वेद ने तो बहुत सरल शब्द में कह दिया, लेकिन वास्तविकता को न समझने के कारण मनुष्य अंधकार के कणकण में अनंत सूर्यों को के प्रकाश को खोजना चाहता है। प्रकृति के इस नश्वर जगत में, त्रिगुणात्मक जगत में, त्रिगुणातीत ब्रह्म का स्वरूप कहाँ से खोजा जा सकता है? अंधेरे में सूर्य की उपस्थिति कैसे हो सकती है? क्योंकि जहाँ सूर्य होगा वहाँ अंधेरा नहीं, जहाँ अंधेरा होगा वहाँ सूर्य नहीं। काल अवध कब ब्रह्म भवन में तुम क्यों न विचारो सोई, जहाँ काल की सत्ता है, जन्म मरण का चक्र है, वहाँ परमात्मा का स्वरूप कहाँ से हो सकता है? वो आनंद का सागर है, जगत दुख का सागर है, वो चेतन है, ये जगत जड़ है, वो प्रेम का स्वरूप है, जगत मोह का, ईर्ष्या द्वेष घृणा का संसार है, इसके कणकण में ब्रह्म का स्वरूप कैसे माना जा सकता है? जब ये बात सुनी श्याम भाई और भीम भाई ने तो अपने को समर्पित कर दिया श्री जी के चरणों में। इसी प्रकार गोविंद जी व्यास हैं, बल्भाचार्य मत के व्यास हैं, श्री जी के चरणों की सानिध्यता में आने के पश्चात भागवत के वो 40 प्रश्न जिनका समाधान वे आज तक नहीं कर पाए थे, समझ नहीं सके थे, उन प्रश्नों में कहा गया है कि मोह तत्व का स्वरूप क्या है, अहंकार का स्वरूप क्या है, मोह किसको हुआ, पुरुष कहाँ है, प्रकृति कहाँ है, अखंड ब्रज कहाँ है, अखंड रास कहाँ है, इसका समाधान कैसे होता बिना तारतम्य ज्ञान के प्रकाश के? गोविंद जी व्यास आते हैं, श्री जी की चर्चा सुनकर उनके द्वारा दिए हुए उत्तरों से वे इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि तारतम्य ग्रहण कर लेते हैं। बल्भाचार्य मत के अनुयायी बहुत ही कट्टर होते हैं, और इस कट्टरता का कारण क्या है, अज्ञानता। एक तरफ तो श्री कृष्ण को परमात्मा मानते हैं, दूसरी तरफ वे उनका भोजन भी नहीं, उनका दिया हुआ प्रसाद भी नहीं खाते। क्या सोचते हैं कि भले ही श्री कृष्ण जी के रूप में परमात्मा आए हों, लेकिन थे तो यादव और हम हैं ब्राह्मण, भला हम यादव का दिया खाया हुआ भोजन क्यों ग्रहण करें, इससे बड़ा पाप क्या होगा? यदि तुम भगवान को भी जाति के बंधन में बांधते हो और स्वयं को जन्मना ब्राह्मण होने का अभिमान करते हो, तो श्री जी कहते हैं तुम गर्भ में क्यों नहीं गल गए, क्यों जन्म लिए इस पृथ्वी पर, तुम कि तुम भगवान को भी जाति के नाम पर छोटा समझते हो और उनका भोग लगाकर बाजारों में बेचते फिरते हो, स्वयं नहीं खाते अपने ब्राह्मणत्व का अभिमान लेकर। एक किरंतन उतरता है, क्योंकि बल्भाचार्य के मत के लोग विरोध पर उतर आते हैं, उनको लगता है कि हमारा व्यास ही जब दूसरे मत में चला गया तो हमारी गरिमा को ठेस लगती है। कलयुग में ऐसी स्थिति फैल गई है, किसी को सत्य से लेना देना नहीं है, केवल संप्रदाय से लेना है। वेद में क्या लिखा है, उपनिषद में क्या लिखा है, ऋषियों ने क्या कहा है, इससे कोई संबंध नहीं। अपनी संप्रदाय की झूठी मान्यताओं को शोर मचाकर प्रचारित करते हैं, लेकिन सत्य को छिपाने का प्रयास करते हैं। अब उन बल्भाचार्य मत के अनुयायियों को समझाने के लिए कीर्तन उतरता है, वचन विचारो रे मिठड़ी बल्भाचार्य रजवानी। वचन विचारो रे मिठड़ी
वल्लभाचार्य वाणी वचन विचार चारो रे मिठड़ी वल्लभाचार्य वाणी अर्थ लिए बिना रे अंधेरी अर्थ लिए बिना रे अंधेरी करत सबों की फानी वचन विचारो रे मिठड़ी वल्लभाचार्य वाणी वचन विचारो रे मिठड़ी वल्लभाचार्य वाणी कौन तुम और कहाँ थे आए कौन तुम और कहाँ थे आए और कहाँ तुम्हारा घर ए कौन भौम कौन भौम और कहाँ श्री कृष्ण जी कौन भौम और कहाँ श्री कृष्ण जी पाओगे कौन तर वचन विचारो रे मिठड़ी वल्लभाचार्य वाणी तुम झूठ को साजो समारो तुम झूठ को साजो समारो तुम झूठ को साजो समारो जो झूठा होए जासी साचे सुख जो देवे साचा साचे सुख जो देवे साचा सो कबे उलखासी वचन विचारो रे मिठड़ी वल्लभाचार्य वाणी वैष्णव होए सो वचन मानसी वैष्णव होए वचन मानसी और जो वल्लभ वाणी सटलिया महमत कहे सो काहे को जन्म्या महमत कहे सो काहे को जन्मा गर्भ माहे क्यों ना गलिया वचन विचारो रे मिठड़ी वल्लभाचार्य वाणी वचन विचारो रे मिठड़ी वल्लभाचार्य वाणी अर्थ लिए बिना रे अंधेरे अर्थ लिए बिना रे अंधेरे करत सबों की फानी वचन विचारो रे मिठड़ी वल्लभाचार्य वाणी मिठड़ी वल्लभाचार्य वाणी सूरत में जागने का जो प्रकाश फैला उससे बिहारी जी अछूते नहीं रह सके। उन्होंने सोचा कि मिराज के पास तो हजारों लोगों का समूह एकत्रित हो गया है, इसलिए मेल कर लेना चाहिए। पत्र भेजते हैं कि बिहारी जी महाराज की मिराज हमारा धर्म अच्छी तरह से चलता रहे,
इसलिए मैंने तीन नियम बनाए हैं। एक नियम यह है, एक तो नीचे जात वाले को तारतम्य नहीं देना है, दूसरे किसी विधवा को नहीं देना है, और तीसरे हमारे तुम्हारे अतिरिक्त कोई और तारतम्य नहीं दे सकता है। श्री जी के पास पत्र आता है, श्री जी कहते हैं कि बिहारी जी महाराज, मुझे ये स्वीकार नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार सबको है। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम माया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा, सभी वर्ण कर्म से बनाए गए हैं, जन्म से किसी की जाति नहीं होती है। भक्ति का अधिकार सबको है, ज्ञान का अधिकार सबको है, इसलिए सतगुरु धनी सिद्धदेव चंद जी ने जब जाति पाति का भेद नहीं रखा, तो आपको भी ये कहने का अधिकार नहीं है कि नीचे जाति वालों को तारतम्य नहीं देना है। दूसरी बात जो आप कहते हैं कि विधवा को नहीं देना है, तो आपको मालूम है कि खोजी बाई विधवा थे, मुस्लिम भी थे, सतगुरु धनी सिद्धदेव चंद जी ने उनको तारतम्य दिया था। किसी के शरीर के पति का देहांत हो जाए तो उसकी आत्मा को क्या इसलिए तारतम्य पाने का अधिकार नहीं कि उसका पति नहीं है? आपकी यह बात बुद्धि से ग्रह नहीं हो सकती है। तीसरी बात जो आप कह रहे हैं कि हमारे और तुम्हारे अतिरिक्त कोई अन्य तारतम्य न दें, तो बताइए आपका शरीर इस संसार में कितने दिन तक रहेगा? केवल दो ही व्यक्ति कहाँ कहाँ जा जा करके तारतम्य देंगे। इसलिए जिसके पास ज्ञान का प्रकाश हो जाए, वह कोई भी तारतम्य देकर धनी की राह पर ले जाएगा, और मैं आपको आपकी इस बात को स्वीकार नहीं करता हूँ। जब श्री जी का यह पत्र बिहारी जी के पास पहुँचा और साथ में उन्होंने कलश ग्रंथ भी भेज दिया जो उतरा था, बिहारी जी पढ़कर बहुत ही दुखी हुए, और कलश ग्रंथ को पढ़कर तो उनका पारा सातवें आकाश पर चला गया था, क्योंकि कलश ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है, सुख देऊं सुख लेऊं सुखे जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई अपने हाथ। मैंने अपनी सारी शोभा महामती को दे रखी है, इंद्रावती को दे रखी है। इसका तात्पर्य क्या होता है? इस संसार में यदि कोई धाम धनी के समकक्ष स्वरूप है तो वो महामती का स्वरूप है। बिहारी जी सोचते हैं कि गादी पर मैं बैठा हूँ, मैं अक्षरातीत हो सकता हूँ, ये मीराज गांव गांव नगर नगर भटकने वाला भला मेरी बराबरी कैसे कर सकते हैं? यही तो अंधविश्वास है। गादी पर बैठकर लोग सोचते हैं कि हम राज्य के बराबर हो गए। ये बताइए, कंस ने अपने पिता उग्रसेन को सिंहासन से उठा करके बैठ गया, तो क्या कंस गद्दी पर बैठने मात्र से उग्रसेन की बराबरी कर सकता है? क्या रावण अपने भाई को हटाकर, रावण के भाई कुबेर थे, उनको हटाकर लंका पर अधिकार कर लिया, पुष्पक विमान छीन लिया, तो क्या रावण गद्दी पर बैठने मात्र से, लंका के सिंहासन पर बैठने मात्र से कुबेर का पद प्राप्त कर सका? रावण राक्षस ही कहलाया। यदि हस्तिनापुर के सिंहासन पर दुर्योधन ने जबरन अधिकार कर लिया, तो क्या जिस सिंहासन पर भरत बैठ चुके हों, जिस सिंहासन पर बड़े बड़े प्रतापी सम्राट बैठ चुके हों, उस सिंहासन पर बैठने मात्र से दुर्योधन उस स्थान को प्राप्त कर सकता है? लेकिन व्यक्तित्व का निर्माण नहीं किया जाता है, एक बढ़ई और एक दर्जी की कारीगरी से गद्दी का निर्माण होता है। ट्रस्टियों की कृपा से किसी व्यक्ति को उस पर बैठा दिया जाता है और कहा जाता है कि यह व्यक्ति देवचंद जी के बराबर है, यह व्यक्ति प्राणनाथ जी के बराबर है। यह भ्रम है। प्रीतम का सिंहासन तो आत्मा के धाम हृदय में होता है, इसलिए कभी भी यह दावा नहीं किया जा सकता कि इस गादी पर बैठने पर हम इतने महान हो जाते हैं। गादी पर बैठने से कोई महान नहीं हो सकता। क्या अंधे को गादी पर बैठा देंगे तो उसको दिखने लगेगा? क्या मूर्ख को गादी पर बैठा देंगे तो उसको धर्म ग्रंथों का ज्ञान हो जाएगा? क्या विकारग्रस्त व्यक्ति को किसी गादी पर बैठा देने से उसमें कोई अलौकिक शक्ति आएगी? ऐसा नहीं है।
जब तक हृदय में ज्ञान की ज्योति नहीं जलेगी, प्रेम की धारा प्रवाहित नहीं होगी, हृदय निर्विकार नहीं होगा, तब तक आपको आध्यात्मिक संपदा किसी सिंहासन पर, किसी गादी पर बैठने मात्र से प्राप्त नहीं हो सकती है। हाँ, जिस आसन पर किसी परमहंस ने बैठकर ध्यान साधना की होती है, उसमें आभा मंडल की पवित्रता होती है, वहाँ का आभा मंडल पवित्र होता है। बस इतनी सी बात है। कसाईखाने का आभा मंडल पवित्र नहीं होता, वैश्यालय का आभा मंडल पवित्र नहीं होता, लेकिन जिस आसन पर किसी महात्मा ने, परमहंस ने साधना की होती है, वहाँ जाने से मन की पवित्रता अवश्य होती है। लेकिन किसी कारीगर की बनाई हुई गादी को इतनी महत्ता देना कि उस पर बैठने मात्र से कोई व्यक्ति देवचंद जी की, प्राणनाथ जी की बराबरी करे, या तर्क सम्मत नहीं है। अब कलश ग्रंथ को पढ़ते हैं तो कहते हैं कि कलश नहीं है, क्लेश है। और दूसरा पत्र लिखते हैं कि महाराज, मैंने देखा है कि तुम्हारी आत्मा ही परमधाम में नहीं है, और मैं तुमको परमधाम से बाहर निकालता हूँ, क्योंकि उनको तो अधिकार मिला है, जिसको चाहे परमधाम ले जाए, जिसको चाहे रख दें। सारा हिंदू समाज क्या सोचता है, तीर्थों में जाता है और पंडों को पैसा देता है, वे पंडा लोग सबके नाम को बही खाते में अपने लिखे रहते हैं, खुद तो मांस खाएं, शराब पिएं और सबको मुक्ति का टिकट बांधते हैं। खुद पता नहीं हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, और पैसे लेकर संकल्प कराते हैं। आप किसी भी तीर्थ स्थान में जाइए, काशी जाइए, काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने जाइए, जगन्नाथपुरी का दर्शन करने जाइए, दोबारा आप जाने का नाम नहीं लेंगे। पंडों के व्यवहार से पैसे आप नहीं देंगे तो झगड़ा भी करेंगे, त्रिवेणी के संगम पर आपको नाव में बैठा लेंगे, कहेंगे कि इतना पैसा दो, नहीं तो धमकी देते हैं कि आपके साथ हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होगा। हिंदू जनता सोचती है कि इनको हम दे देंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, कोई कल्याण नहीं होगा आपका। आप अपना धन मानवता के कल्याण में खर्च कीजिए। किसी पंडे को देने से, किसी व्यक्ति विशेष को देने से आपको कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। हाँ, उसको दीजिए जो भूखा हो, उसको दीजिए जो नंगा हो, किसी की शिक्षा में खर्च कीजिए, मानवता के कल्याण में खर्च कीजिए, तो वो परमात्मा आपकी सेवा को स्वीकार करेगा। लेकिन जिन पंडों के बड़े बड़े मकान हो, स्वयं मांस खाते हों, उनको जाति के नाम पर दे आना कि केवल पंडों को देने से पुण्य होगा, कभी भी उचित नहीं होता। अब श्री जी ने उत्तर लिखा। श्री जी क्या लिखते जब वो पत्र आता है, श्री जी सोच रहे हैं कि भाई कम से कम मुझको तो परम धाम से नहीं निकाला होता। चिंतन मग्न थे कि भीम भाई, श्याम भाई की नजर पड़ी, क्योंकि वेदांत के विद्वान थे। श्री जी से पूछा, श्री जी ने पत्र पकड़ा दिया। भीम भाई ने नेतृत्व किया सब सुंदर साथ का कि सुंदर साथ जी, ना हमको बिहारी जी से मतलब है, ना श्री जी से मतलब है, हमें तो ये विवेक करना है कि किस स्वरूप ने हमारे लिए क्या किया। बिहारी जी ने एक एक करके सबको निकाला है, एक को भी तारतम ज्ञान का प्रकाश नहीं दिया। बिहारी जी को खुद मालूम नहीं है कि परम धाम क्या है, किससे कहानियाँ सुनाते रहते हैं, केवल गादी पर बैठ बैठ कर सबको निष्कासित करते रहे। कभी धारा भाई को निकाला, कभी किसी को निकाला। श्री जी ने सबको गले से लगाया है, सबको परम धाम का ज्ञान दिया है। हम सतगुरु धनिष देवचंद जी की छवि मिहराज में देखते हैं, इसलिए अब हमें बिहारी जी से कोई लेना देना नहीं। हम कभी भी वहाँ की गादी पर प्रणाम करने नहीं जाएंगे। सैकड़ों सुंदर साथ ने बिहारी जी से अपना नाता तोड़ा और श्री जी से कहा कि धाम धनी, सभी की आत्मा को जागृत करने के लिए आप चलिए, हम आपके साथ हैं, हम घर द्वार सब छोड़कर आपके साथ चलेंगे, सारे देश में चलकर परमधाम की आत्माओं को जगाइए, हमें अब किसी भी गादी स्थान से कुछ लेना देना नहीं है। सबने बाईजुराज को श्री जी के बगल में बैठा कर आरती उतारे और तब श्री जी ने
बिहारी जी को पत्र लिख दिया कि देखिए बिहारी जी महाराज, मैं जो कुछ करूँगा निष्काम भाव से करूँगा, सतगुरु धनिष्ठ देवचंद जी ने जो मुझे निधि दी है उसको मैं फैलाऊँगा, यदि मैं स्वार्थ से कुछ करूँगा तो मेरा कार्य निष्फल हो जाएगा, किंतु यदि राज्य का आदेश मानकर सबके कल्याण के लिए परमधाम की वाणी सुनाऊँगा तो राज्य की कृपा मेरे ऊपर अवश्य बरसेगी और मैं इस कार्य को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। अब इसके पश्चात लालदास जी के साथ विचित्र घटना घटित होती है। हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, ये हमारी भूल है, हमसे करवाया जाता है, हमारी इच्छा हो या ना हो, मूल स्वरूप की जो इच्छा होगी वही होगा। सेठ लक्ष्मण दास अभी तक लक्ष्मण दास कहला रहे हैं, वे निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि चिंतामणि अपनी गादी छोड़कर जा चुके हैं, श्यामल दास कहला रहे हैं, श्री जी के साथ सैकड़ों सुंदर साथ हैं, मैं व्यापार संभालूं या श्री जी के साथ चलूं। उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब हमें कुछ करना होगा, जागनी तो वो भी कर रहे हैं, चर्चा वाणी करते हैं, लेकिन घर गृहस्थी का बंधन उनको न छोड़ने के लिए विवश कर रहा है। एक ही दिन गोदाम में आग लग जाती है और उसी दिन उनके जितने जहाज समुद्र में आ रहे थे विदेश से माल लेकर, सारे के सारे डूब जाते हैं। जो कभी करोड़ों में खेला करते थे अब उनके पास कुछ नहीं बचता है। लालदास संग चले खाली लेकर हाथ, एक रुपया भी नहीं था लालदास जी के पास, क्योंकि जो घर में आभूषण थे वो देनदारी में लग गए। व्यापार में लेना भी होता है देना भी होता है, जो धन आ रहा था वो तो समुद्र में डूब गया, जो गोदाम में रखा था वो जलकर राख हो गया। कुछ ले देकर कुछ लोगों को संतुष्ट किया, लेकिन क्या करते। और जानते हैं जब मनुष्य चारों तरफ से निराश हो जाता है तब राज्य की शरण में आता है, नहीं तो इसके पहले तो सोचता है कि मेरे इतना धन है, मेरे इतने कुटुंब कबीले हैं, इनको छोड़कर मैं कहाँ से राज्य की सेवा में आऊँ। आप आइए चाहे नहीं, छोड़िए चाहे नहीं छोड़िए, एक दिन तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन यही संसार की कहानी है। हंसते हुए कोई नहीं छोड़ना चाहता, रोते हुए छोड़ता है। असक्तम परम साधु कुरूपा पतिव्रता, बुढ़ापे में तो सभी परमहंस हैं, और जिसका रूप नहीं वो तो पतिव्रता है ही। उसी तरह से जब लालदास जी को पहले कहा जा रहा था नहीं आ रहे थे तो क्या हुआ, जब घर में एक रुपया भी नहीं रहेगा, लेने वाले दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा। जबरन उनको धनी की राह पर घसीटा जा रहा है कि लालदास अब आपका समय पूरा हो चुका संसार में रहने का। अब आते हैं लालदास जी, एक प्रण है कि जब तक धाम धनी का दर्शन नहीं करूंगा तब तक अन्न का ग्रहण नहीं करूंगा। श्री जी के पास आते हैं, भोजन का समय है, श्री जी कहते हैं कि लालदास जी भोजन कीजिए। लालदास जी कहते हैं कि मैंने प्रण कर रखा है कि जब तक धाम धनी बिहारी जी महाराज का दर्शन नहीं कर लूँगा तब तक भोजन नहीं करूँगा। श्री जी कहते हैं कि तुम्हारा प्रण पूरा हो गया, तुम धाम धनी के चरणों में पहुँच चुके हो, अब तुमको नौतनपुरी जाने की आवश्यकता नहीं है। समाज में भ्रम था कि गादी का दर्शन करने से राज्य का दर्शन हो जाता है, और वो भ्रम आज भी चल रहा है। लोग आत्मा के हृदय में प्रीतम की छवि को नहीं देखते हैं, वो कहाँ देखते हैं, किसी स्थान विशेष में। कोई व्यक्ति तो किसी स्थान पर लीला किया होता है तो मान लेते हैं कि हमारे सतगुरु महाराज तो उसी स्थान पर रह रहे हैं। आप सभी स्थानों की सुरक्षा कीजिए, लेकिन यह ध्यान रखिए ऊपर तले अर्श न कहिया, अर्श कहिया मोमिन कलो। अक्षरातीत कभी गादी में नहीं बैठते, ये तो भ्रम है। हाँ, जहाँ भी गादी बनी है, महत्ता गादी की नहीं उस स्थान से प्रकाशित होने वाले ज्ञान की है। चाहे कोई स्थान कितना भी बड़ा हो, भले ही वहाँ 500 कमरे क्यों न हो,
लेकिन ज्ञान की ज्योति नहीं जलती है तो उस उन बड़े बड़े कमरों से क्या होगा। वहाँ सोने के कलश चढ़े हों तो सोने का कलश ज्ञान थोड़े देगा, वाणी के प्रकाश की आवश्यकता है। और हमें धामधनी को सबके हृदय में देखने की आवश्यकता है। हम अपनी आत्मा के हृदय में प्रीतम को देखें, किसी ब्रह्मात्मा के हृदय में प्रीतम की छप को देखें। हम सोचते हैं चांदी का सिंहासन हो, उस पर बढ़िया रेशमी गद्दा बिछा हो, उसको जाकर के तो मत्था टेकते हैं, देवचंद जी की मूर्ति बना करके उसको मत्था टेकते हैं, दूध से नहलाते हैं, ये क्या है? देवचंद जी की गादी बनाकर चांदी की मूर्ति से आप उसको दूध से नहला देंगे तो आपकी आत्मा को क्या मिलेगा? जब तक आप अपनी आत्मा की धाम हृदय में प्रीतम की छप को नहीं देखेंगे तब तक आपकी आत्मा को कोई भी प्रकाश मिलने वाला नहीं है। अब लालदास जी के साथ अन्य सुंदर साथ भी जुड़ जाते हैं। 500 सुंदर साथ का समूह चल पड़ता है घर द्वार छोड़कर। कभी बुद्ध के साथ हजारों भिक्षुक निकले थे, महावीर स्वामी के साथ हजारों भिक्षुक निकले थे, अब पन्ना जी तक पहुंचते पहुंचते 5000 की संख्या हो जाएगी। कौन निकलेगा? जिसके अंदर तड़प होगी। यहीं पर मुकुंददास जी तारतम लेते हैं। उम्र है केवल 25 वर्ष, कुछ ही दिन हुए होते हैं विवाह को हुए। वेदांत के शास्त्रों के विद्वान हैं, अंदर विवेक है कि ये कोई अलौकिक व्यक्तित्व है, मुझे इनकी शरण में जाना होगा। पत्नी को कहते हैं कि तुम भी चलो मेरे साथ। पत्नी कहती है कि यदि मुझे अभी से वैरागी बनाना था, अभी तो कुछ ही दिन हुए विवाह हुए, तो मेरे से विवाह क्यों किया? मैं तो नहीं जाने वाली। मुकुंददास जी ने समझाना चाहा, पत्नी का मोह बढ़ता ही गया, अंत में अंतिम प्रणाम कर लिया घर वालों से भी और पत्नी से भी, कहा कि तुम फूलो फलो, मैं तो अब चल रहा हूँ। अब मुकुंद मुकुंद यहीं नहीं रहेगा, अब तो धामधनी की शरण में ही रहेगा। मुकुंददास जी चल देते हैं। आप देखिए अभी तक इस घटनाक्रम में अनेक व्यक्तित्व ऐसे आएंगे जो घर द्वार छोड़कर सब कुछ निकल पड़ेंगे, तभी तो महान लक्ष्य पूरा होगा। बुद्ध जब चले तो उनके 8 साल का बच्चा भी सन्यासी बन जाता है, भिक्षुक बन जाता है, और 8 साल के बच्चे को भिक्षा पात्र पकड़ा दिया जाता है। कितना बड़ा त्याग है, एक पिता ज्ञान के प्रकाश के लिए अपने 8 साल के बच्चे को, जो गोद में खेलने की उम्र का होता है, उसको सन्यासी बना देता है। वाणी का प्रकाश तब तक नहीं फैलेगा जब तक सभी इसके लिए कटिबद्ध नहीं होंगे। यदि बुद्ध के साथ न जाने सैकड़ों राजकुमारों ने अपने राजभवनों को छोड़ा, किसी महान लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्वयं को तपाना पड़ता है, विषयों से दूर रखना पड़ता है, अपनी आत्मा के धाम हृदय में ज्ञान की ज्योति जलानी पड़ती है, अपने को निर्विषय करते हुए विषयों से रहित रखकर प्रीतम के प्रेम में डूबना पड़ता है, तब उस प्रकाश के उजाले में संसार पीछे चलने के लिए राजी होता है, अन्यथा यह संसार तो अज्ञानता के अंधकार में भटका ही हुआ है। अब चल पड़ता है यह समूह लगभग 500 की संख्या का। रुई की जाहरी गद्दी पर बैठे हैं बिहारी जी, लेकिन बातिनी गादी किसके पास है? मिहराज के पास। उनके धाम हृदय में युगल स्वरूप बैठे हैं मिहराज के, वो तो हफ्से में ही पा लिया था। हृदय को सिंहासन बनाया जाता है, विरह और प्रेम की भट्टी में स्वयं को तपाकर, रुई की गादी पर बैठकर नहीं। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। जब विरह के आंसुओं से चेहरा भीग जाए, ऐसा भी समय आए जब आंसू भी सूख जाएं, हलक से कोई शब्द न निकले, आहें भी रुक जाएं, तब उस प्रचंड विरह की ज्वाला में आत्मा के धाम हृदय में प्रीतम की छवि आ जाती है और वो सिंहासन का निर्माण करती है। ट्रस्ट की कृपा से कोई व्यक्ति गादी पर बैठ जा और कहे कि मैं ही अक्षरातीत हूँ तो एक भ्रम है। बिहारी जी महाराज इसी भ्रम का शिकार हैं, सबको निष्कासित करते जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि जिसको निष्कासित मैं कर रहा हूँ एक गादी पर बैठ गए, सर्वशक्तिमान परमात्मा भी उनकी आत्मा को परम धाम से नहीं निकाल सकता, तो मुझे क्या अधिकार है? अब
श्री जी के साथ यह समूह सिद्धपुर पहुंचता है। वहाँ एक तीर्थ है, एक सरोवर है जिसमें स्नान किया जाता है। श्री जी जब उस सरोवर पर पहुंचते हैं तो रेवादास नाम का एक पंडा उनके पीछे लग जाता है, उनकी काफ़ी सेवा करता है। जानते हैं कुछ पंडे अच्छे भी होते हैं, आप तीर्थ में जाइए तो अपने घर रखते हैं, खिलाते पिलाते भी हैं। हाँ, कई कई पंडे बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, धन के लिए आपकी जान को भी खतरे में डाल सकते हैं। रेवादास श्री जी के जाते समय मांगने लगता है, गोवर्धन भाई उनको एक मोहर देते हैं। जानते हैं पंडों को बहुत लालच होता है, वो कहने लगता है एक और दे दीजिए। गोवर्धन भाई कहते हैं अरे पागल, तुझे मैं एक नहीं दस दे दूंगा, लेकिन ये माया का धन तो कोई और भी दे सकता है, इनके पास अखंड धन है परम धाम का, उस अखंड धन को तू मांग ले, तेरे जीव का कल्याण हो जाएगा। चलते समय श्री जी के चरण पकड़ लेता है रेवादास, कहता है कि आप मेरा भी तो कल्याण कीजिए, मेरा तो सारा जीवन पंडागिरी में बीत गया, मेरे जीव का उद्धार कौन करेगा। तो चलते चलते श्री जी कहते हैं कि देखो यह कालमाया का ब्रह्मांड है, कालमाया के इस ब्रह्मांड से परे योग माया का ब्रह्मांड है, योग माया के ब्रह्मांड से परे वो परम धाम है जिसमें यमुना जी हैं, यमुना जी के किनारे सात घाट आए हैं, आगे चांदनी चौक है, उसके आगे रंगमहल है, जिसकी प्रथम भूमिका की चार चौरस हवेली के बाद पांचवी हवेली में सिंहासन पर परब्रह्म का अति सुंदर किशोर युगल स्वरूप विराजमान है। तुम वहाँ का ध्यान क्या करना, तुम यह भाव लो कि परम धाम से हम ब्रज में आए, रास में आए, इस जागने के ब्रह्मांड में जागृत होना है और परम धाम चलना है। वह सुन लेता है, बेचारे ने जीवन भर समर्पण ही करवाया था श्लोक बोल बोलकर, दक्षिणा ली थी उसने, तत्व ज्ञान तो है नहीं, श्री जी की कही हुई बातों का रट्टा लगाता रहता है कि हम परम धाम से आए हैं, ब्रजराज के पश्चात जागनी में आए हैं, परम धाम जाना है, मूल मिलावे में राज्य बैठे, इन्हीं बातों को दोहराता रहता है। एक दिन चार महीने तक छिपाए रखता है, डेली पाठ करता है इसी बातों को। एक दिन केशवदास जी से बातचीत करते करते ये सारी बातें बोल पड़ा कि तो केशवदास जी के अंदर परम धाम की आत्मा है। सुनते ही कहते हैं कि केशवदास जी बोलते हैं कि रेवादास तू सचमुच पंडा ही है, पंडा ही रह गया, क्या तुझे मालूम है कि यह कथन किसने कहा है। वह तो अक्षरातीत था तुम न करी पहचान, अब मैं उतनी जात हूं मुझे आया ईमान। कौन कह रहा है, केशवदास। कभी चेहरा नहीं देखा श्री जी का, शब्द सुनते ही उनके अंतरात्मा ने पुकारा कि यह शब्द कहने वाला कौन है, अक्षरातीत। ये बाणी सुनते जिनको आवेश न आया, तारतम वाणी का प्रकाश सुनने के पास पश्चात हृदय में ये पुकार न आए कि ये बात कौन कह रहा है, तो ब्रह्मात्मा क्या, सोने नीचे वासना ताको करूं जी भेले सन। आवश्यकता यह है कि हम ज्ञान को मंदिरों की चार दीवारें तक सीमित ना रखें, इस ज्ञान को संसार में फैलाएं। जो परम धाम की आत्मा होगी बहुत पुकार करूं कि इस खातिर एतो सुपन स्वरूप बेहद बनज का होएगा साथी, सो एक लवेट भूसी टुक टुक। देखा यही जाता है कि हर साल वही भंडारे वही कार्यक्रम होते हैं, नए लोग क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि हमने औरों के लिए इसका दरवाजा बंद कर रखा होता है। दूसरों को सुनाएंगे नहीं, अपने चुने चुने लोगों को सुनाएंगे, खीर पूड़ी खाएंगे, नाचेंगे कूदेंगे, तो ज्ञान का प्रकाश कैसे होगा। हमें तो वाणी के ज्ञान का प्रकाश सबके लिए खोलना होगा। और अब केशवदास चल देते हैं, कोई सूचना नहीं,
आजकल की तरह तो संसाधन नहीं है कि गूगल पर देखकर किसी को खोज लें कहाँ गया। उस समय तो पूछ पूछ करके जाना होता था, क्या इधर से कोई गुजरा है, पैदल चलना है, कोई पता नहीं कहाँ गई श्री जी। चल पड़ते हैं केशवदास, भोजन भी नहीं किया, एक तड़प है, इसी को तो ब्रह्मात्मा कहते हैं। दे भरोसा ना करें पिया मिलन की आस। आप सोचिए, जिस परम धाम को अक्षरातीत को पाने के लिए ऋषि मुनियों ने युगों युगों तक साधना की है, लेकिन वह मिल नहीं पाया। और आज जब इस सृष्टि में परम धाम का ज्ञान अवतरित हुआ है तो उसको पाने के लिए ब्रह्मात्मा तो कुछ भी कर लेगी। केशवदास जी खोजते खोजते दिल्ली पहुंचते हैं, वहां श्री जी के चरणों में शीश झुकाते हैं, तारतम ज्ञान का प्रकाश पाते हैं और पुनः सिद्धपुर आकर केंद्र बनाते हैं और वाणी के प्रचार में लग जाते हैं। अब सिद्धपुर से श्री जी सुंदर साथ को लेकर मेड़ते पहुंचते हैं। मेड़ता में लाभानंद यति है। लाभानंद यति जो एक तांत्रिक है, तांत्रिक कौन होता है, जो तामसिक शक्तियों की आराधना करता है, भूत प्रेतों की आराधना करता है, सबको डर से डराए रखता है, भय से कि यदि तुम मेरा कहना नहीं मानोगे, किसी और गुरु के पास जाओगे तो मैं तंत्र क्रिया से तुमको मार दूंगा, एक भय दिलाया जाता है। आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कोई करता है, तांत्रिक क्रिया क्या है, मन के बुरे संकल्पों से किसी का अनिष्ट कर देना। ये सूक्ष्म शरीरधारी जीवों की भक्ति करते हैं, उनको शराब चढ़ाते हैं और उनसे अनिष्ट कराते रहते हैं। अब देखा कि ये तो कोई महापुरुष आए हैं। श्री जी जब उसके पास जाते हैं, लाभानंद यति के पास, चर्चा सत्संग तो उसको कुछ लेना देना नहीं होता। आज भी देखिए, ये तांत्रिक वाम मार्गी होते हैं। दो उपासना पद्धति होती है, एक दक्षिण मार्गी, एक वाम मार्गी। वाम मार्गी में क्या किया जाता है, मांस शराब चढ़ाई जाती है, तरह तरह के भूत प्रेत और दस विद्या के नाम पर तरह तरह की देवियों की कल्पना की जाती है, भैरव भैरवी की भक्ति की जाती है, उनको पशुओं की बलि दी जाती है। आज भी देखेंगे कई तांत्रिक बच्चों की बलि दे देते हैं। कामाख्या का मंदिर क्या है, तांत्रिकों का केंद्र है। जगह जगह तांत्रिक मिल जाते हैं जो उल्टे सीधे मंत्र जपते हैं, कहते हैं कि हम किसी को मार देंगे, किसी को ये करेंगे, लेकिन उनका प्रभाव किस पर पड़ेगा, सामान्य व्यक्तियों पर, जो प्रतिदिन परमात्मा का ध्यान करता है, परमात्मा पर निष्ठा रखता है, उनके ऊपर उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। अंत में देखा कि ये तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, प्राणनाथ जी के प्रश्नों का उत्तर मुझे आएगा नहीं, तो उसने रात को सोते समय यही चाहा कि मैं अपनी तंत्र क्रिया से सबको मार दूं, लेकिन सफल नहीं हो पाता है। उसकी तांत्रिक क्रिया निष्फल हो जाती है, हार मानकर वह मौन व्रत ले लेता है कि मैं किसी से नहीं मिलूंगा, क्योंकि आप जानते हैं मूर्ख राम बलम मौनम, मूर्ख की सबसे बड़ी शक्ति क्या है, मौन हो जाते हैं, ताकि कोई प्रश्न ही नहीं पूछे। जब प्रश्न ही पूछेगा, बोलेंगे नहीं, तो हम तो स्वयंभू महाराज हैं, हमारी इज्जत वैसी ही बनी रहेगी। अब जब सारी जनता ने मेड़ते की देखा कि लाभानंद यदि निष्क्रिय हो गया है, तो चीटी हार ऊंट कतार तो छोड़िए, टिड्डी दल की तरह वहां की जनता आने लगती है, झुंड के झुंड आने लगते हैं, क्योंकि अब तक लाभानंद यदि ने सबको डरा करके रखा था। श्री जी की चर्चा से राजा राम और झांझन भाई इतने समर्पित हो जाते हैं कि उन्होंने अपने सारी संपत्ति श्री जी के चरणों में रख दी कि धाम धनी, ये सब आपके चरणों में समर्पित हैं। श्री जी कहते हैं कि भाई, मेरे साथ इतना जन समूह है, तुम जो कारखाना चला रहे हो चलाओ,
और जो तुम्हारे परिवार के खर्चे से जो भी संपदा बचती है सब कुछ भेज दिया करो और सुंदर साथ की उससे सेवा होती रहेगी। 1732 में स्त्री जी पहुँचते हैं, 33 का समय होता है, 33-34 का समय होता है जब मेड़ते में पहुँचते हैं, तो वहाँ से लेकर पन्ना जी में पधारने तक सब सुंदर साथ की सेवा का भार, हजारों सुंदर साथ की सेवा का भार अकेले राजा राम और झांझन भाई परिवार ने किया। इसलिए परम धाम में जागृत होने पर इनकी सेवा हमेशा सबके लिए शोभा की बात रहेगी। इस जब तक ये दुनिया है, जब तक जागनी लीला चल रही है, तब तक राजा राम झांझन भाई का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा, क्योंकि उन्होंने धन को अपना नहीं समझा। हमारे साथ भूल होती है, हम धन को अपना समझते हैं, हम धन को अपने उस परिवार के लिए केवल सजो कर रखते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि हमारा परम धाम का भी कोई परिवार है और परम धाम की आत्माओं को जागृत करना हमारा सबका उद्देश्य है। हमारा तन, हमारा मन, हमारा जीव, हमारी आत्मा तो धाम धनी के लिए निछावर होनी चाहिए, लेकिन हम निछावर होते हैं किसके लिए? राज्य के लिए कम, अपने परिवार के लिए अधिक। अब श्री जी की अलौकिक चर्चा का प्रवाह जब पड़ता है तो चारों तरफ से जागनी होने लगती है, अनेकों सुंदर साथ आते हैं। एक और लीला होती है, राजा राम की बेटी है ललिता, अंग से टेढ़ी है, श्री जी उसको बुलाकर उसके शरीर पर पानी के छींटे फेंक देते हैं और ललिता सर्वांग सुंदरी बन जाती है। ललिता क्या करेगी, क्योंकि वो पहचान जाती है कि यह कोई और नहीं है, मेरा प्राणेश्वर आया है। एक कीर्तन उतरता है, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी, नाम है ललिता का, उतरता है महामती जी के तन से। इसमें हृदय के समर्पण की पुकार है, कोट बेर ललिता कुर्बानी मेरे धनी जी कायम सुखकारी। एक छोटी सी लड़की पहचान लेती है, क्योंकि उसमें शुद्ध हृदय है, समर्पण की भावना है। सोचती है जिसके पानी के छींटों के स्पर्श मात्र से मेरा असाध्य रोग ठीक हो गया, मैं काली कलूटी थी सर्वांग सुंदरी बन गई, तो ये मेरा तन, मेरा मन, मेरा जीव, मेरी आत्मा उसी पर प्राणेश्वर के चरणों में समर्पित है। इस भाव भरे कीर्तन को सुनिए। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी टूक टूक कर डरो यातन, टूक टूक कर डरो यातन, ऊपर कुंज बिहारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को फिर जाऊं बलिहारी, इन दो स्वरूप
दया करे इन दो स्वरूपों दया करे मुझ पर मेहर तुम्हारे रे वारी वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी कारी कुमत खूब कुचल ऐसी कारी कुमत खूब कुचल ऐसी कठिन कठोर हुनारे आत्म मेरी निर्मल करके आता मेरी निर्मल करके सहजे पार उतारे रे वारी वारी रे वारी मेरे प्यारे वारे रे वारे सने दबसा गरे मागा रे सागरे गमधने दापा मागा सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम मुझ पर कृपा तुम्हारे कोट बेर ललिता कुर्बानी कोट बेर ललिता कुर्बानी मेरे धनी जी कायम सुख का रीर वारी वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी टूक टूक कर डरो यातन टूक टूक कर डरो यातन ऊपर कुंज बिहारी रे वारी वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी यह वही ललिता सखी है। जब राजा राम चांचन भाई पन्ना में पधारे उनके साथ वो भी आ गई और अपना सारा जीवन श्री जी के चरणों में सेवा करते करते बिता दिया। जब श्री जी एक दिन मेड़ते में संध्या के समय टहल रहे थे मस्जिद से बांग की आवाज़ सुनाई पड़ी मुल्ला की, ला इला इल्ला मोहम्मद रसूलल्ला। अंदर कौन बैठा है? वही अक्षर की आत्मा जो अरब में मोहम्मद के रूप में आती है, वही अक्षरातीत का आवेश स्वरूप जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 90,000 हरूफ कुरान की बातें करता है, वही जिब्राइल है जिब्रील जो कुरान की आयतों को लाता है, वही इस्राफील है जिसको हिंदू धर्म ग्रंथ में जागृत बुद्धि कहते हैं जो सत्य को उजागर करने वाला है। सभी स्वरूप उस तन में बैठे हैं और प्राणनाथ जी के ऐसे स्वरूप ने
तुरंत समझ लिया कि ला तो कहया नाही को, इला तो है हक, ये तो अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी बुजरक। ला इलाही इल्लल्लाह का अर्थ क्या होता है? छर अक्षर और अक्षरातीत। मोहम्मद परब्रह्म के संदेश वाहक हैं। अब सोचा कि जिस तरह से हिंदू धर्म ग्रंथों में जिसको छर अक्षर अक्षरातीत कहते हैं, कतेप में उसको ला इलाही इल्लल्लाह कहा गया है, ये तो भाषा भेद है। क्यों नहीं हम हिंदू मुस्लिम को एक करके सबको एक सत्य की पहचान कराएं? आज औरंगजेब जो धर्म के नाम पर अत्याचार कर रहा है, कुरान के नाम पर तलवार चलाकर सबको इस्लाम के झंडे के नीचे लाना चाहता है, उसको तो धर्म के स्वरूप का बोध ही नहीं है। धर्म तो शाश्वत है, अनादि है, भले ही उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग भाषाओं में क्यों ना होती हो। अलग अलग जातियों में, समुदायों में बटे हुए लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं कर्मकांडों की ओट लेकर, किंतु जो धर्म का स्वरूप हिंदू के लिए है, वही मुस्लिम के लिए है, वही क्रिश्चियन के लिए, वही पारसी के लिए। विरोध क्यों है? विरोध इसलिए है कि कोई भी धर्म के स्वरूप को नहीं जानता। क्या हिंदू का परमात्मा अलग है, मुस्लिम का परमात्मा अलग है, या क्रिश्चियन का परमात्मा अलग है? सबका परमात्मा तो एक है। जो कुछ कहया कतेब ने, सोई कहया वेद, दो बनते एक साहेब के, पर लड़त बिन पाए भेद। तत्व ज्ञान न होने के कारण ही तो मानो मानो के खून का प्यासा है कि हमारा धर्म रहेगा, हमारा धर्म रहेगा। ये लड़ाई शरीयत कर्मकांड की है, धर्म की लड़ाई नहीं। धर्म तो सारे संसार का एक है। जब सृष्टि नहीं थी तब भी धर्म था, इसलिए वेद ने क्या कहा? दौ शांति अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, औषधय शांति, विश्व देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वम शांति, शांति एव शांति, सा शांति मा एति। सब में शांति हो। ऐसा नहीं कहा कि हे परमात्मा तुम पाकिस्तान को उजाड़ बना दो, तुम अमेरिका को नष्ट कर दो, हमारे को ही सुखी करो, ऐसा नहीं। सृष्टि में जहाँ भी प्राणी है सब जगह शांति हो, सब जगह प्रेम हो, यह वेद का उपदेश है। मित्रस्य चक्षुषा अहम सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मैं संसार के सारे प्राणियों को मित्र के दृष्टि देखो। सर्वा असा मम मित्रम भवंत, सभी दिशाएं मेरे मित्र हो। संसार के सभी प्राणियों में हमें अपनी चेतना को देखना है, घृणा के ज्वार से ऊपर उठना है, यही तो धर्म का संदेश है। जब देखा मुसलमान तलवार के बल पर हिंदुओं को अपना मत स्वीकार करने के लिए विवश कर रहे हैं, तो उनके कुरान के वास्तविक उद्देश्य को उन तक पहुंचाया जाए, इसी उद्देश्य से अब श्री जी वेद और कतेब को एकीकरण करने के लिए, ताकि हिंदू और मुस्लिम सत्य को जान सकें। हमारा यह नैतिक उत्तरदायित्व था कि ब्रह्म ज्ञान की ज्योति को हम जलाते तो आज सारा संसार प्रेम के सूत्र में बंधा होता, सारा संसार एक आंगन में होता। लेकिन आज एक ही परमात्मा के उपासक जो अलग अलग भाषाएं जानते हैं, अलग अलग ग्रंथों को पढ़ते हैं, आपस में लड़ कट रहे हैं। यदि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो केवल धर्म के नाम पर लड़ा जाएगा। आप सोचिए कौन आया है? कोई अवतार नहीं आया है, कोई महापुरुष नहीं आया है। वह आया है जिसकी भक्ति युगों युगों से होती आ रही है, लेकिन कोई उसको पा नहीं सका था। अब सो साहेब आया सब सृष्टि करे निर्मल, मोह अहंकार उड़ाए के देसी सुख ने चल। सबके अंदर की अज्ञानता को दूर करके सबको परम धाम की राह दिखाने वाला वह स्वरूप आया है। हिंदुओं के लिए वो विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है, तो मुसलमानों के लिए आखरुल इमाम मोहम्मद महदी साहिबुज्जमा है। बुद्धिस्टों के लिए वो आखिरी बुद्ध है, जैनियों के लिए वो आखिरी तीर्थंकर है, तो ईसाइयों के लिए सुप्रीम ट्रुथ गॉड का एक नया रूप सेकेंड क्राइस्ट है। सबके लिए आया है, सबके ग्रंथों में उसकी साक्षी लिखी थी, लेकिन कोई पहचान नहीं पाया था। अब वो अपनी पहचान देने के लिए, कतेब को वेद के साथ एक रूप करने के लिए वह स्वरूप प्रस्थान करता है दिल्ली में, क्योंकि औरंगजेब की सत्ता काबुल से लेकर कन्याकुमारी तक और उधर ब्रह्मपुत्र से लेकर सिंध तक फैली हुई है। यदि औरंगजेब शरीयत की चादर छोड़कर हकीकत का मार्ग अपना लेता है तो सारे देश में शांति का साम्राज्य हो जाएगा। श्री जी जानते हैं
यही वह औरंगजेब है जो अपने शेष तीनों भाइयों की हत्या कराता है, अपने पिता को बिसैले तेल से मालिश कराकर तड़पा तड़पा कर मारता है, अपने भले बड़े भाई की गर्दन कटवाकर हाथी से घसीटवाता है और चौराहे पर रखवा देता है निर्ममता के साथ। न जाने कितने जगह कुरुक्षेत्र में जाकर वो खून की नदी बहाता है, हरिद्वार में बहाता है, औरंगजेब के नाम से सारा देश कांपता है और उसका एक ही निर्देश है, या तो इस्लाम स्वीकार करो या अपनी गर्दन कटवाओ। ऐसे औरंगजेब जिसके अंदर परम धाम की आत्मा बैठी हुई खेल को देख रही है, उसे जगाना है। अब श्री जी सब सुंदर साथ के साथ मिर्ते से चलकर दिल्ली पहुंचते हैं ताकि उसको सत्य ज्ञान के प्रकाश में लाया जाए। औरंगजेब जो कट्टरपंथी मुलाओं के बहकावे में गलत शिक्षा को ग्रहण कर चुका है, ISIS की विचारधारा वही विचारधारा है, कट्टरपंथी विचारधारा जो गैर मुस्लिम को शांति से जीने का निर्देश नहीं देती, उसकी विचारधारा है कि इस पृथ्वी पर केवल इस्लाम रहना चाहिए, अन्य कोई नहीं। ऐसे लोग इस्लाम के शत्रु हैं, इस्लाम के मानने वाले नहीं। इस्लाम तो वास्तव में शांति का संदेशवाहक होना चाहिए। कुरान ये नहीं कहता कि दूसरे प्राणियों की हत्या करो, कुरान तो कहता है कि तुम्हें तुम्हारा धर्म मुबारक, मुझे मेरा धर्म मुबारक। सबको अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी मान्यता को मानने का अधिकार है। धर्म किसी पर बलात्पूर्वक नहीं थोपा जाना चाहिए कि आप हमारी मान्यताओं को मानिए। भारतीय संस्कृति में कभी भी ऐसा नहीं होता रहा है, लेकिन जब ईसाइयत फैली, इस्लाम फैलाया गया तलवार के बल पर। अब इस विकृति को दूर करने के लिए श्री जी आते हैं दिल्ली में, क्योंकि साहेब आए इन जिमी करने कारज दीन, सो सबका झगड़ा मेट के या दुनिया यतीन। मेटन लड़ाई बंधन के तुझे जादे पैगंबर, धनी आए वेद कतेब छुड़ावने, ये तीन बातें चित में धर। हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा मिटाना है, वेद कतेब को एक करके दोनों को उनके ही ग्रंथों से सत्य की पहचान करानी है। और ये चर्चा आप सुनेंगे कल।